बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। एक मरतबा फिर पेश खिदमत है सवाल व जवाब की नशस्त बउनवान हम और आप अल्लामा उकाड़वी के साथ, जिसमें आप अपने शरई मसाइल के बारे में रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब दामत बरकातहुम अलालिया से आप ख़तीब आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद हैं। एक अरसे से दुनिया भर में मसलक हक़ के हकीकी तर्जुमान की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए हम मिलकर इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन व सामईन को भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग अपने सवालात कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात अल्लामा साहब तक पहुँचाएँ। अगर आपकी आईडी अपने असल नाम के साथ नहीं है तो आप अपने सवाल के इब्तिदा में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए। इंशाअल्लाह सवाल शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारा इस नशिस्त का ये उसूल है कि बेनामी सवाल शामिल नहीं किए जाते। तो आप सवाल की इब्तिदा में अपने नाम और अपने शहर को मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इसी दौरान के आपके सवालात आना शुरू हों, व्हाट्सएप और पेज इनबॉक्स के ज़रिए जो सवालात हफ्ते भर में मौसूल हुए इंशाअल्लाह उससे आगाज़ करेंगे। अमेरिका से समीना शेख साहिबा का सवाल। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ख़ास इस्लामी तारीख को ही इबादत क्यों करें, किसी भी दिन और किसी भी रात कर सकते हैं, रहनुमाई फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारे पास जो सवाल ये पढ़कर सुनाते हैं उसके मुताबिक जवाब पेश करता हूँ। उनको किसने इतनी बात कही है, क्यों कही है, इसकी बहस में नहीं जाते, लेकिन अजीब सा सवाल लगता है। कौन दुनिया में ऐसा शख्स है जिसने ये कहा है कि सिर्फ़ ख़ास रात में इबादत करनी है या ख़ास दिन में इबादत करनी है? हम तो पैदा ही अल्लाह की इबादत के लिए हुए हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, क़ुरान की गवाही कि अल्लाह ताला ने जिन्नों इंसानों को पैदा किया है इबादत के लिए। लेकिन ख़ास मौके होते हैं, ख़ास जगहें होती हैं। अब शबे कदर का ज़िक्र क़ुरान में है या नहीं कि वो हज़ार महीने से बेहतर है? क्या उस रात की कोई अहमियत नहीं, उसमें इबादत की कोई अहमियत नहीं? मतलब ये है कि ख़ास रातों में इबादत ज़्यादा करना, उसका एहतमाम ज़्यादा करना। एक शख्स अपने वतन में रहकर सिर्फ पांच नमाज़ें पढ़ता है, मगर बैतुल्ला शरीफ जाता है तो वो कहता है मैं कुछ नवाफिल ज़्यादा पढ़ लूँ, कुछ ज़िक्र अज़कार ज़्यादा कर लूँ, वो जगह ख़ास है। तो जगहों के हवाले से, दिनों और रातों के हवाले से, ये वज़क्किर हुम बि अय्यामिल्लाह के लोगों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तो कोई ख़ास दिन है ना, तो ख़ास रातों में, ख़ास दिनों में ज़्यादा इबादत के लिए लोगों को रागिब किया जाता है, तरगीब दी जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इबादत तो 24 घंटे हर सांस के साथ करनी है। सूफिया की तालीम तो ये है कि सांस अंदर जाए तो अल्लाह, बाहर निकले तो हू, हर सांस के साथ जिक्र किया जाए, इबादत की जाए। इंसान का मकसद दुनिया में ज़िंदगी का अगर इबादत हो तो उसका तो सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, बशर्ते कि मकसद ज़िंदगी इबादत हो।
तो एतराज़ करने वाले ने जो एतराज़ किया उसने समझा नहीं है। बहरहाल जितना मेरी समझ में आया उसके मुताबिक मैंने जवाब पेश किया है। अगला सवाल सादिया हबीब साहिबा का, वो फरमाती हैं कि बड़े ख़ानदान के बुज़ुर्ग अक्सर शादी बच्चों की अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और अगर कोई मसला हो जाए तो कहते हैं कि बच्चे या बच्ची का नसीब ख़राब है, इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। नसीब ख़राब होने वाली बात मैं नहीं समझा, क्या उन्होंने कहा? कि अपनी मर्ज़ी से वो लोग बच्चों के शादी के फ़ैसले करते हैं, लेकिन अगर शादी में कोई तलखी हो जाए तो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते अपने गलत फ़ैसले की, बल्कि किस्मत पर सारा इल्ज़ाम ठहरा देते। ये इंसान का मिजाज है, कोई अच्छाई हो जाए तो वो कहता है मैंने की है, कोई ख़राबी हो जाए तो उसको अल्लाह की मर्ज़ी कह देता है। हालांकि कहना क्या चाहिए, अच्छा हो जाए तो अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, कोई कमी रह जाए तो कहे मुझसे कोई कोताही हुई। यहाँ मामला उल्टा। अब वो जो बड़े उम्र के या रिश्ते में बड़े कहलाते हैं, जानबूझकर तो गलत फ़ैसले नहीं करते होंगे, उम्मीद तो यही है, देखभाल के तजर्बे की बुनियाद पर, मालूमात की बुनियाद पर। अब उसमें किसी चीज़ में कोई ख़राबी आना, उसके बहुत से असबाब होते हैं। ताहम नसीब के बारे में मैं किसी मुसलमान को बदनसीब नहीं कहता, बदकिस्मत नहीं कहता। क्यों? कि जिसके नसीब में ईमान है वो कहाँ से बदनसीब, जिसकी किस्मत में ईमान है वो कहाँ से बदनसीब। हाँ, हमें शामत आमाल कहना चाहिए, महरूमी कह देना चाहिए, लेकिन ये जो लोग बेधड़क कह देते हैं जी किस्मत ही ख़राब है, तो इस तरह नहीं कहना चाहिए। आपको ईमान मिला है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आपको अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिली है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो इससे ज़्यादा किस्मत और क्या चाहिए। तो यूँ ना कहें, बल्कि ये कहें कि जी हमसे कोई कोताही हो गई होगी, हमारी शामत आमाल, तो इस तरह ना कहें, नसीब को गलत ना करार दें। अगला सवाल उम्मे हानी साहिबा का, कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना या कुरान पाक की तिलावत करना, इन दोनों के बारे में अहकामात क्या हैं? अगर साफ है, पाक है, कोई हर्ज नहीं। अगला सवाल उमर अब्बासी साहब का, क्या उम्रा करने के बाद नहाना और अहराम धोना ज़रूरी है अगले उम्रे से पहले? नहाते तो इसलिए हैं कि उस वक्त कोई पसीना आ गया, कोई मैल हो गई, तो गुस्ल कर लिया जाता है। बाकी एहराम को धोने का हुक्म उस सूरत में कि उस पे शुबा हो, कोई छींटा ना पड़ गया हो, कोई और ऐसी चीज़ ना लग गई हो, और अगर वो शुबा भी नहीं है तो फिर कोई उसको धोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एहतियात अगर करते हैं तो अच्छी बात है। अगला सवाल इंडिया से मोहम्मद इकराम शरीफ साहब का, कि जो उम्रे के लिए जा रहे होते हैं तो कुछ लोग कफन का कपड़ा उन्हें देकर भेजते हैं कि इस कपड़े को जमजम के पानी से धोकर ले आएं, ताकि मरने के बाद उसी कपड़े को कफन में रख दिया जाए, इसकी क्या हकीकत है? हमारे यहाँ बरकत का तसव्वुर पाया जाता है, हमारे यहाँ तबर्रुक, हम लोग इसको रोज़ सुनते देखते हैं। जमजम में वहाँ से किसी को दे देना अगर आसानी से वो कर लाए, वरना लोग यहाँ पर भी वो जमजम में भिगो लेते हैं और सुखा लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उसका गुमान है कि जमजम पाक पानी है, मुबारक पानी है, बहुत अच्छा है, तो तबर्रुक का तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है। उस हवाले से ऐसा करने में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि बेहतरी है अगर वो आसानी से करे, ज़बरदस्ती ना करवाएं। वरना ये कि थोड़ा सा पानी किसी तसले में, किसी बड़ी डिश में भिगो के उसमें से कपड़ा करके यहाँ भी सुखा सकते हैं आप,
फिर वो पानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। तो अगर वहाँ से वो कर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अरसे से मामूल है कई लोगों का। कुछ लोग किसी मज़ार पे चादर चढ़ी होती जो सादी, वो ले लेते हैं, पहले वो पहना लेते हैं ऊपर। वो लिखी हुई की बात नहीं कर रहा, कॉटन की चादर जो होती है पहले वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो तबर्रुक का तसव्वुर बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगला सवाल साइमा खान साहिबा का कि अल्लामा साहब ने एक मरतबा सूरह मोमिनून की शुरू की 3 आयतें और आखिर की 3 आयतें बताया था कि इसको पढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं, वो कौन से फ़वाद थे? एक मरतबा फिर दोहरा दें ताकि मज़ीद रग़बत हो। क़ुरान करीम की हर आयत में, हर लफ्ज़ में बरकत है, उसको पढ़ने से फ़ायदा है। मेरा ईमान है कि रब के कलाम जैसा कोई कलाम नहीं, उसके नाम में बरकत है। मैं एक मरतबा अल्लाह जल्ला जलालुहू कहता हूँ, मेरे इस तरह कहने से फ़रिश्ता बन जाता है, फिर वो कहना शुरू कर देता है, फिर आगे ये सिलसिला चलता रहता है। तो क़ुरान करीम की आयात के वो तफसीर में दर्स बयान करते हुए अक्सर बातें आ जाती हैं, बता देता हूँ। तो फ़ायदे अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह के कलाम में हैं। मुतअद्दिद आयात के हवाले से बुज़ुर्गों के इरशादात मौजूद हैं। तो अगर आप वो पढ़ें, यकीन के साथ पढ़ें, ज़रूर फ़ायदा। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने, कुरान की मुस्तकिल आयत है, उसके कितने फ़ायदे हैं हमने कभी तवज्जो नहीं दी। हालांकि सिर्फ इतना पढ़ने से भी बेपनाह बरकतें मिलती हैं। 19 हरूफ हैं, 190 तो नेकियां मिल गईं सिर्फ पढ़ने से। उसके बाद कितने फ़ायदे, अल्लाह का नाम पुकारने के फ़ायदे। तो इसी तरह कुरान की हर आयत को जब भी पढ़ें बरकत समझें अपने लिए। और फिर कुरान का ख़ुद है कि ये ज़िक्र भी है, मुबारक भी है, शिफा भी है, नूर भी है, हिदायत भी है। तो ये सारी बरकतों का यकीन रखें तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदे होंगे। अगला सवाल मक्का मुकर्रमा से मोहम्मद रिहान साहब का कि एक मुसलमान जो कि है तो सही अकीदा मगर हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से बुग़्ज़ रखता है और बहुत बुरी भरी बातें बोलता है, तो क्या ऐसे शख्स से नफ़रत करना जायज़ होगा? आपकी इस बात में पहली बात तो ये कि वो कहाँ का है, क्या वो भी पाकिस्तानी है? और अगर नहीं, कहीं और का है, तो जिस तरह बाज़ मुल्कों में हमारे बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में नफ़रत सिखाई जाती है, क्या उससे वो मुतासर है? तो उसे ये कहा जाए कि वतन तो अपनी जगह, वतन के कुछ लोग, मिसाल के तौर पर आप कहें कि जी फ़लाँ कौम, तो फ़लाँ कौम का हर फर्द नहीं हो सकता है, कुछ अफराद हों। इसी तरह किसी मुल्क के, तो मुल्क में अगर कोई मुआशरती मुआशी खराबियाँ हैं उनका ज़िक्र तो हम लोग वतन वाले ख़ुद भी करते हैं। लेकिन मकसद क्या होता है? मकसद होता है कोई इस्लाह का पहलू निकले, किसी तरह ये हालात बदलें, ये चीज़ें जो खराबियाँ हैं ये दूर हों, इनकी जगह अच्छाइयाँ आएँ। मगर चुनते उन लोगों को हैं जिनकी वजह से खराबियाँ हैं। वही 300-400 लोग हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, हेर फेर के, कभी इस पार्टी के नाम से कभी उस पार्टी के नाम से वही आ जाते हैं। उन्हीं से हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ भला करेंगे। तो पहला तजर्बा क्या कामयाब नहीं रहा हमारा, जो हम दोबारा करते हैं? तो ये तरीक़ेकार जो इलेक्शन का, सिलेक्शन का और इसमें पता नहीं क्या क्या है, तो अगर वो इस बुनियाद पर लोगों के कुछ अहवाल देखकर करता है तो वो उसका वो करने का मकसद, वो बुग़्ज़ जो आप कह रहे हैं, अगर वाकई उसको कि ये इस्लामी जमहूरिया है, इससे दुश्मनी है, तो फिर आप उसको समझाएं, उसको अच्छाइयाँ भी बताएं। देखें इस मुल्क में कोरोना की वबा फैली तो लूटने वाले भी सामने आए, बांटने वाले भी सामने आए। एक तरफ लूटमार थी कि 5 रुपए का मास्क 50 में बेचा, वो भी थे, उन्होंने ग्रॉसरी ये जो रोज़मर्रा की अशिया होती हैं राशन के, उस पर पैसे कमाए, बहुत से लोगों ने राशन बांटे,
तो दोनों तरह के लोग हैं ना, वो माशरे में होते हैं। तो अगर वो किसी और मुल्क का बाशिंदा है और किसी ख़ास वजह से कहता है तो उसको आप बताएं, लेकिन उससे क़ता ताल्लुक़ की बजाय कोशिश करें कि उसकी इस्लाह करें। और अगर वो उसके बावजूद सख्त किस्म के अल्फाज कहता है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, तो फिर आप उससे क़ता ताल्लुक़ कर सकते हैं। लेकिन क़ता ताल्लुक़ की बुनियाद अगर वो मुसलमान है तो सिर्फ ये कि गुफ्तगू उससे छोड़ दे, सलाम कलाम बंद नहीं करेंगे, बाकी जो भी उसके साथ एक इंसानी बुनियाद पर जो होता है वो करेंगे। हाँ, जब ईमान की बात आ जाए तो फिर क़ता ताल्लुक़ हो जाता है, क्योंकि ईमान की मुखालफत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बेशक। अगला सवाल फारूक अहमद साहब का कि अगर किसी ने हमसे कर्ज़ लिया 30,000, फिर वापस 35,000 ये कह कर दिया कि आपने मेरी परेशानी हल की, ये 5,000 मेरी तरफ से तोहफ़तन कबूल फरमाएं, तो क्या मेरे लिए ये लेना जायज़ होगा और क्या वो सूद में काउंट होगा? सूद की तारीफ वही है कि वो ज़्यादती जो एवज़ यानी बदले से खाली हो, तो वो जो ज़्यादा दे रहा है वो उस वक्त ना दे, पहले तो जो असल रकम है वो वापस करे, बाद में उसको बतौर हदिया दे, लेकिन उसी वक्त देगा तो वो गलत होगा। हालांकि रिवायत मिलती है ना, खजूरें बढ़ा देने का हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुछ बढ़ा दें तो वो हदिये के तौर पर दे सकता है, वो हदिया पेश कर सकता है, मगर उसी वक्त देने का मतलब ये होगा कि वो उस वक्त दे रहा है, पहले असल रकम दे दे, कुछ देर के बाद वो कहे कि जी मैं आपको ये हदिया दे रहा हूँ, तो वो और बात है कि आप मुश्किल में काम आए, लेकिन उस वक्त ये करना और इस तरह कहना ये लाजमी बात है, वो उस कैटेगरी में जाएगा जहाँ उसकी सोच जा रही है, तो एहतियात कर ले, दे सकते हैं हदिया, लेकिन उसी वक्त फौरन देने का मतलब जो होगा वो बदगुमानी हो जाएगी, उससे बचे। अगला सवाल कुवैत से आसिफ फारूकी साहब का, बहुत से मसालिक के लोग ये दावा करते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनके हम अकीदा थे, आप बताइए कि आपकी तहकीक के मुताबिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अकायद क्या थे? अल्लामा इकबाल डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हनफी थे, सुन्नी थे, सुन्नी हनफ़ी होने में उनके कोई शुबा नहीं है, एक दो जुमले बाज जगह हैं जिन पर एतराज़ है, लेकिन वो पकड़ दूसरी है, कोई अकीदे के हवाले से उनके यही कि वो सुन्नी हनफ़ी थे और सही अकीदा थे, मेरी तहकीक इतनी ही है। अगला सवाल मोहम्मद जुनैद साहब का, इनका पहला सवाल कि मुझे बेचैनी होती है जिसकी वजह से मैं टांगे हिलाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि टांगे हिलाने से नहुसत पैदा होती है घर में, क्या ये दुरुस्त है? टांगे लेट के बैठ के हर वक्त, उसमें ये है कि एक इंसान खून की गर्दिश के लिए टांगे लाता है कि खून की गर्दिश होती रहे, सुन ना हो जाए, या वैसे आदत हो गई है कि हर वक्त हिलाते हैं, तो उस आदत पर कंट्रोल करें। बाकी ये जो नहूसत का तसव्वुर मुआशरे में है बाज़ लोगों के यहाँ के, इस तरह होता है, ये तजरबात की बुनियाद पर वो कहते हैं, लेकिन इससे वो नहूसत मुराद ना ली जाए कि इसमें है ही नहूसत, ये तसव्वुर नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया नहूसत होती तो तीन चीज़ों में होती, जिस तरह के बताया गया कि वो जानवरों में हो सकती है, औरत में हो सकती है, इसके अलावा ज़मीन के हवाले से जो ज़िक्र मिलता, अगर होती तो नहूसत का वो तसव्वुर जो हम लेते हैं या किसी को मनहूस समझते हैं, इस तरह नहीं कहना चाहिए। हाँ, आदत है अगर आपकी हर वक्त टांगे लाने की, तो उस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, लेकिन अगर एक शख्स वो इसलिए कि भाई मुस्तकिल लेटा हुआ है, मामूली सी हरकत है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हिलाना वो गलत होगा। इनका दूसरा सवाल के कारोबार में बरकत के लिए सूरह यासीन शरीफ पढ़ना क्या दुरुस्त होगा, या फिर नियत सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए ही होनी चाहिए? मुसलमान को सवाब का लालच होता है, अपनी मुराद भी होती है, बहरहाल कुरान करीम की तिलावत अल्लाह का कलाम समझ के करें, बहुत से लोग सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, रोज़ी के लिए सूरह वाक़िया का कहा गया फ़ाक़े से बचने के लिए पढ़ने का, तो बाज़ सूरतें उस ख्याल से भी पढ़ रहे हैं, मगर अल्लाह का कलाम
तो सवाब में फ़र्क आता है कि मैं अपनी गरज से पढ़ रहा हूँ या रब की रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ। लेकिन हमें सवाब का लालच होता है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से पढ़ें। और अगर कोई शख्स किसी ने बताया कि ये वजीफ़ा करो तो वजीफ़े बताए जाते हैं। इसी तरह पढ़ने को जिस तरह दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, कलिमात हैं, तो उस नीयत से भी पढ़ने में कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि आप खालिस, सिर्फ ये नहीं है कि ज़रूरत के तहत तो पढ़ लिया बाद में छोड़ दिया, तो यासीन शरीफ हो या पूरा कलाम पाक हो पढ़ें। आप अगर इसी नीयत से पढ़ रहे हैं कि मेरे रिस्क में बरकत हो तो भी उसमें मैं गलत नहीं कहूँगा। इनका तीसरा सवाल कि मेरे सर और पैर में अक्सर दर्द रहता है, इसके लिए कोई वजीफ़ा इनायत फरमा दीजिए। दर्द की वजह जाने क्यों होता है? आपके कोई बैठने उठने के को ख़ास हालत रहती है जिसमें ज़्यादा रहते हैं? गीले बाल लेके पंखे या धूप में जाते हैं, कोई वजह है? तबखीर है आपके अंदर, गर्मी है, कोई वजह होगी। उस वजह के लिए भी बाकी दर्द दूर करने के लिए आयात भी पढ़ी जाती हैं। दुरूद शिफा पढ़ें, आयात शिफा पढ़ें, अपनी ग़िज़ा पे नज़र रखें। तो पहले अवामिल के कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे ये होता है, तो उस पर काबू पाना वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी मेरी किताब है वो औराद मशाइख, उसमें ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, वो पढ़ लीजिएगा तो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगला सवाल पाक पतन से शेख अली लियाकत साहब का, कि कुछ लोग सूरह बकरा की एक आयत को दलील बनाकर कहते हैं कि तीन तलाक के बाद भी रुजू हो सकता है, रहनुमाई फरमा दीजिए। तलाक का मसला हमारे यहाँ मालूमात ना होने की वजह से लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये जो फ़िक़ह अरबा जिसको कहते हैं, हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली, इन सब में मेरे वाले साहब क़िबला ने छोटा सा रिसाला लिखा है तलाक़े सलासा, उर्दू इंग्लिश दोनों ज़बानों में मौजूद है, इंटरनेट पे भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो आज लोग बयान करने लग गए, क्या इन्होंने ये समझा कि 1400 साल में क़ुरान करीम किसी की समझ में नहीं आया? क्या कोई ऐसा नहीं था जिसने समझा हो? तीन तलाक़ें इकट्ठी देना एक ही नशिस्त में, वन वे, यानी एक ही एट ए टाइम तीन मरतबा तलाक देने से तीन ही तलाक़ें पड़ती हैं, ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है। अहले हदीस गैर मुकल्लिद कहलाने वाले वो नहीं मानते, बाकी सारी उम्मत मानती है। वो नहीं मानते, उनको हज़ारों मरतबा जवाब दिए हैं, वो मैं ना मानूं वाली बात है। पूरी उम्मत एक तरफ और ये लोग एक तरफ। तीन रुपयों को तीन कहते हैं मगर तीन तलाकों को, यानी तीन रुपए हैं तो वो तीन ही हैं, लेकिन तीन तलाकों को एक कहना समझ नहीं आई बात। मैंने कहा मुत्तफ़िका तौर पर वो जो आयत का आप इस्तेदलाल पेश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वाले साहब के बुलाने उसका जवाब दिया है, उस रिसाले में पढ़ लीजिएगा। अत्तलाक़ु मर्रतान, दो मरतबा है, उसके बाद या तो छोड़ दे, रखना चाहे तो फिर एक रह जाती है। तलाक देने का तरीक़ा भी नहीं आता, लोग खड़ा खट दे देते हैं, इसको तलाक़े बिदत भी कहते हैं, यानी ये नहीं देनी चाहिए इकट्ठी तीन, मगर दे देते हैं। जब दे देते हैं तो फिर अब कोशिश करते हैं कि नहीं किसी तरह हलाल कर लें, तो वो जाएंगे किसी सुन्नी के पास, देवबंदी के पास, उनको जवाब यही मिलेगा कि तीन हो गई, तो वो अब दूसरी जगह ढूंढते हैं कहीं से निकल आए, तो वो गैर मुकल्लिद के पास जाते हैं, वो कह देता है कि नहीं जी तीन नहीं एक हुई है, तो वो उसके कहने पे वहाँ चल जाते हैं और फिर अब सारी उम्र हराम करते हैं, गुनाह करते हैं। बाकी मसलों में नहीं जाते, सिर्फ इस मसले में चले जाते हैं उनके पास, उनको पता है कि जी वहाँ पर वो गिनती और है। तो याद रहे
कि तीन तलाक़ें एक वक्त में दी गई हैं तो तीन ही शुमार होंगी और उसके बाद बीवी हराम हो जाएगी, सिवाय हलाले के रुजू नहीं हो सकता। ये एक मुत्तफ़िका बात है, कोई नहीं मानता वो अपनी नसीब उसका उसकी ज़िद, लेकिन जो शरई मसला है वो यही कि तीन तलाक़ें एक वक्त में दी जाएंगी तो वो तीन ही होंगी, वो तीन ही शुमार होंगी। इस पर चूंकि पूरा प्रोग्राम इस पर नहीं करना वरना मैं सारा रिसाला सामने रखता और दलाइल बयान करता, आसानी के लिए आपसे कह रहा हूँ कि वो पढ़ लीजिएगा। अगले सवालात मोहम्मद जवाद अली ख़ान साहब के। इनका पहला सवाल कि क्या तरावी वितर से पहले और इशा के फ़राइज़ और सुनन के बाद पढ़ना ज़रूरी है? क्या मुकम्मल 17 रकात पढ़ने के एक या दो घंटे बाद तरावी पढ़ सकते हैं? जी, आप वितर से पहले तरावी किसी वक्त भी पढ़ लें, अगर वितर पढ़ भी लिए तब भी तरावी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद वितर से पहले तरावी पढ़ें। आपने उस वक्त नहीं पढ़ी, आधी रात को पढ़ना चाहते हैं तब भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद वितर पढ़ लें। तहज्जुद के वक्त से पहले आप शुरू कर दें और तहज्जुद को शामिल कर लें, वो भी हो सकता है, तो बेहतर है उस वक्त सुस्ती ना हो जाए, इसलिए इशा के साथ पढ़ लेते हैं। 20 रकत तरावी है और उसके बाद तीन वितर हैं आपके, तो सुस्ती से बचने के लिए, हाँ कभी आपको देर हो गई या 12 बज गए आप पढ़ सकते हैं, 1 बज गया पढ़ सकते हैं आप, उसको मना नहीं है। इनका दूसरा सवाल के क्या सलातुल खैर तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं या पूरी 100 रकात एक साथ पढ़नी होगी? जी, आपने उसको उस रात में, चूंकि ख़ास तौर पर रिवायत उस रात के बारे में है, तो रात को इशा से लेके आप तहज्जुद तक जो सुबह सादिक से पहले पहले पूरा कर लें, अगर आपने 10 पढ़ ली हैं उसके बाद आधा घंटा रेस्ट किया है कोई बात नहीं, लेकिन आपने वो 100 पढ़नी है उस रात में, दरमियान में आपको खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं वक्फा कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगला सवाल बासित हुसैन कादरी साहब का, वो फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा आज कई मसालिक में बढ़ चुकी है और जब हम एक दूसरे से इख्तलाफ राय का इजहार करते हैं तो तमाम इखलाकी हदूद को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरी अल्लामा साहब से गुजारिश है कि वहदत उम्मत और मसालिक के दरमियान दूरियां ख़त्म करने के लिए आप हमें कुछ उसूल इनायत फरमा दीजिए। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात या कुछ ज़्यादा सहाबा हैं, मसाइल के हवाले से उनके दरमियान भी इख्तलाफ होता था, दूसरे से समझ लेते थे, कबूल कर लेते थे, फिर ताबईन, उन्होंने मेहनत की। हमारे पास कुरान और हदीस मौजूद है और आज जो फितना है ज़्यादा वो इसलिए कि हमें दीनी मालूमात नहीं है। एक तो हमने अरबी को अहमियत नहीं दी, सीखी नहीं, दूसरा ये कि बुनियादी अकायद जो हर शख्स को मालूम होने चाहिए उसने वो भी नहीं सीखे। इस वक्त टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया ने जहन और ख़राब कर दिए, वालिदैन ने ख़ुद नहीं सीखे तो बच्चों को क्या सिखाते, मदरसे भेजा सिर्फ कुरान शरीफ नाजरा पढ़ना आ जाए, उलमा से ख़ुद नहीं सीखे तो बुनियादी अकायद अगर बचपन में ही सिखा दिए जाएं तो ये जहन जो है ना ये बिखरता नहीं है। आपकी होती है ज़मीन साफ, दूसरे देखते हैं वो अपने बीज डाल देते हैं, अपनी फसल लगा लेते हैं, क्यों नावाकिफ़ हैं आप, वो आपकी नावाकफ़ी से फ़ायदा उठाते हैं। तो हम में से हर शख्स को, हर मर्द और औरत को इब्तदाई उम्र में ही बुनियादी अकायद ज़रूरियात दीन मालूम होने चाहिए। जब तक मालूम नहीं होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि इख्तलाफ क्यों और कैसे। एक इख्तलाफ है फुकाहा के दरमियान, अकीदों में नहीं है, फुरूई मसाइल जो हमारे जो मामलात मसाइल होते हैं उसमें उनके यहाँ इख्तलाफ, अकीदे में इख्तलाफ नहीं हो सकता।
और अकीदे के बारे में अहादीस और सब कुछ हमारे पास मुरतब मौजूद है। तकमीलुल ईमान किताब लिखी हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसके मुख्तलिफ ज़बानों में उर्दू इंग्लिश तराजिम हो चुके, यानी हमें अकायद बुनियादी अकायद सीखने पर उर्दू में उलमा ने कितने सही अकायद अकायद इस्लामिया इस नाम से मुतअद्दिद किताबें लिखी, पढ़ते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था मेरी उम्मत में भी 73 फ़िरक़े होंगे, जब कहा था होंगे तो होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं बनना चाहिए ना, मुझे शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें से 72 जहन्नमी होंगे, एक नाजी फ़िरका नजात पाने वाला, उसकी पहचान भी बताई अहलुस्सुन्नत वल जमा कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर और जमात यानी इस नबी पाक और सहाबा के तरीक़े पर होंगे। इस बारे में सारी तफसीलात मौजूद हैं, चूँकि मालूम नहीं है लिहाजा शिकार हो जाते हैं। तो वहदत उम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर मुसलमान बच्चे को बुनियादी अहम ज़रूरियात दीन अकायद सिखाए जाएँ। ना स्कूलों में इंतज़ाम है, ना मदरसों में पूरा इंतज़ाम, सीधी सी बात कर रहा हूँ। मस्जिद में भी लोग जाके निकलते हैं, पूछते भी हैं तो को मसला जवाब देते हैं। इमामों को चाहिए कि रोज़ाना 15 मिनट एक नमाज के बाद एक अकीदा सिखाएं। जो बैठते हैं चलें, कुछ कानों में तो आवाज़ जाएगी। तो इस मैंने तो इस पर कितने कोर्सेस करवाए, कितनी मेहनत करवाई, किताबें लिखी हैं, तकरीरें की हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने की हैं। तो हमें बुनियादी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। हम वहदत उम्मत के लिए अगर वाकई सब मिलके कोशिश करें, आप सीखने वाले उलमा सिखाने वाले बने और सीखा जाए, इसको अहमियत दी जाए, तो फिर खुद ही पता चल जाएगा दूसरा हमारी नावाकफ़ी से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। तो ये सारे हमारे जो असल बातें नावाकफ़ी की हैं, ख़वातीन को भी, अब वो कहीं मशहूर हो जाए ना कोई दर्स, वहाँ चले जाते हैं, अब ये नहीं पता वो दर्स देने वाला क्या कह रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ गलत कर रहा है कहाँ सही कर रहा है। हम उसमें भीड़ में जाते हैं, खुद एहतमाम करें अपने घरों में, अपने करीबी इलाकों में, वहाँ पर जो सही अकीदा, उनसे कहें कि जी हमें बुनियादी अकायद ज़रूरियात दीन क्या हैं, ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या हैं, वो हम सीखें। लेकिन तवज्जो नहीं है। अल्लाह हमें ये तौफीक डाले, हम पर ये मेहरबानी फरमाए कि हम सीखने वाले बने, तो इंशाअल्लाह ज़रूर। क्योंकि वो जो एक हदीस बताई जाती है, इनका ना सही हन कि अगला दिन ऐसे करो कि खुद आलिम हो, उगदो यानी तुम सुबह करो, अगला दिन तुम्हारा आए तो कौन आलिमन, ये नहीं हो सकते तो मुतअल्लिमन, ये भी नहीं हो सकते तो मुस्तमियान, ये भी नहीं हो सकते तो मुहिब्बन, यानी अगला दिन ऐसे करो कि तुम खुद आलिम हो, आलिम नहीं हो तो तालिबे इल्म हो जाओ सीखने वाले, ये भी नहीं होते तो उनको सुनने वाले बन जाओ उलमा को, ये भी नहीं कर सकते तो उनसे प्यार करने वाले बन जाओ, पांचवें ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। तो ये सारी बातें हैं, दरिया बह रहे हैं। पहले एक ज़माने में एक एक महीने का सफ़र करके एक हदीस सुनने लोग जाते थे, आज मौजूद है, नहीं पढ़ते क्योंकि अरबी आती नहीं है, तर्जमा करने वालों ने इंसाफ नहीं किया कितनी। तो उम्मत को लड़वाने के लिए गैर तो लगे हुए हैं, हम अपने दीन को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हर माँ बाप को सोचना चाहिए, क्या वो उन्होंने भी बुनियादी अकीदे सीखे, क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? स्कूल की फ़ीस पैदा होने से पहले रजिस्ट्रेशन हज़ारों दे के, लेकिन दीन के लिए कोई एहतमाम नहीं है। जबकि ये आप कब देखें ना, ये जो बच्चा आपका होता है वो पीछे लेके जाता है, कुरान शरीफ तो सीने से लगाया जाता है कि आगे लेके जाना है। कुछ सीखें हम, जब हम सीखेंगे तो फिर उम्मत में वहदत की कोशिश कामयाब होगी, वरना हमें ये बहकाने वाले इसी तरह आएंगे नई नई बातें। और आज तो ऐसे ऐसे लोग आ गए, वो समझते हैं 1400 साल में किसी को दीन समझ नहीं आया, सिर्फ इनको समझ आया है, पुराने मसले खोद के निकाल रहे हैं, लड़वा रहे हैं कहीं किसी नाम से कहीं किसी नाम से, तो ये हमारी नावाकफ़ी से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप वाकिफ़ हो जाइए, फिर आपको बहका नहीं सकेगा कोई, इंशाअल्लाह। अगले सवालात यूशा खान साहब के, इनका पहला सवाल कि क्या जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देखना मुमकिन होगा?
مثال کے طور پہ شق قمر کا واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں موجود نہیں تھے، تو کیا ہمیشہ کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے سے محروم رہیں گے؟ یوشا خان صاحب، آپ نے سوال تو کر لیا لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کو معجزہ دیکھنے کا اتنا شوق کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں، آپ کو ایمان ملا اس کی قدر آپ نے کیا کی؟ پھر ہم کتنے لوگ تھے جنہوں نے معجزات دیکھے، معجزات دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے؟ ہم ان میں سے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے ایمان لائے، ہم کو اس بات کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اور یہ معجزات دنیا کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام جو تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے، وہ لوگوں کو ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یا ان پر دلیل قائم کرنے کے لیے؟ جنت میں ضرورت نہیں ہوگی معجزات کی، جنت میں نبی کا دیدار ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، ہمارا جنت میں جانا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ تو یہ جو آپ کو آج ایمان ملا ہے، ان چیزوں کو ماننے کی دولت ملی ہے، آپ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو معجزات دیکھنا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، ان کو دیکھ لیا تو سمجھیں ہمارے لیے سب کچھ ہو گیا، ہمیں جنت مل جائے تو ہماری سب کچھ کامیابی ہو گئی۔ تو قد افلح المؤمنون، کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ اب ان کی نشانیاں پڑھیے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے، میں اس کو صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معجزات وہاں دیکھنا، وہاں پر پہنچ جانا، نبی پاک کی زیارت ہونا، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہوگی ہماری۔ تو اس پر توجہ دیں، آپ نے جو سوال کیا تھوڑی سی اس پہ آپ کا شوق اپنی جگہ کہ آپ دیکھیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا جنت میں پہنچ جانا یہی تو کامیابی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو معجزات دیکھنے کا شوق ہے، آپ نبی پاک کی زیارت کریں گے، کیا وہ معمولی بات ہوگی؟ ان کا اگلا سوال، کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کیا اور اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کے قتل کا حکم کیوں دیا؟ دیکھیں، دین اور ایمان اور ذات، آپ مجھے کہیں گے مثال کے طور پر کہ تم ایسے ہو، کوئی کہہ دے کہ جھوٹے ہو تم، یا تم غلط بولتے ہو، یا تم غصے والے ہو، یا تم، تو میری ذات کے حوالے سے، لیکن میرے ایمان کے حوالے سے کوئی بولے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر کسی کو معاف کیا ہے کہ کسی نے حضور کے سامنے کوئی ایسی حرکت کی ناواقفی کی وجہ سے کی یا ویسے کی، وہ معاف کرنا ذاتی حوالے سے ہے، ایمان کے حوالے سے بتائیں کس کو معاف کیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جب دین کی بات آئے گی، ایمان کی بات آئے گی، تو وہاں حکم یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ، جو ایزا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، ان کے لیے سخت ترین عذاب کا بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن و حدیث سے مسئلے نکالیں، کیونکہ گستاخی بے ادبی آپ کی، دیکھیں نا، مجھے آپ نے کوئی تکلیف پہنچائی، 2 روپے میرے روک لیے، یا مجھے کوئی کانٹا چبھویا، یہ ذاتی حوالے سے ہے، لیکن جب دین کے حوالے سے بات آئی، ایمان کے حوالے سے، اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے معاف کر سکتے ہیں، میں ان کی ذات کے حوالے سے معاف نہیں کر سکتا، میں شریعت کا پابند ہوں۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، مثال کے طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کوئی کرے برائی، کوئی کرے اس کی گستاخی، اور جو وہاں پر پیون ہے، جس کو آپ چپڑاسی کہتے ہیں، اس سے جا کے معافی مانگے، تو کیا وہ معافی دے سکتا ہے چپڑاسی؟ چیف جسٹس کا جرم کیا اور معافی دے چپڑاسی، تو کیا چپڑاسی معاف کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو پھر سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، مرتبت، اہمیت دیکھیے، اور پھر ہم کہیں گے نہیں جی ہم معاف کر دیں، تو ہم ہوتے کون ہیں؟ تو
तो ज़ाती हवाला और है, ईमानी और शरई और दीनी हवाला और है। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो आप जब इसको समझेंगे आपको बात वाज़े हो जाएगी। यूशा खान साहब का एक और भी सवाल इन्होंने नीचे लिखा दूसरे कमेंट में कि अगर कोई जन्नत में उर्दू इस्लामी किताब पढ़ना चाहे तो क्या वो पढ़ पाएगा या सिर्फ़ अरबी किताब ही पढ़ पाएगा। अल्लाह ताला ने सारी ज़बानें बनाई हैं, इंसान बोलते हैं, लेकिन मरने के बाद हम सबकी ज़बान अरबी हो जाएगी, आपको दुश्वारी नहीं होगी। अगर आपको वहाँ किताब पढ़नी होगी, हमें तो वहाँ पर अल्लाह ताला की हमद नबी की नात से फुर्सत नहीं होगी, नेमतों को इंजॉय करेंगे। बहरहाल अगर आप कहेंगे कि जी वहाँ आपको किताब मिले तो वहाँ कुरान तो पढ़ा जाएगा, अल्लाह की हमद होगी, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। अगर आपका वहाँ भी शौक़ है उर्दू किताब का तो किसी फरिश्ते से कंसल्ट कीजिएगा, उम्मीद है आपको वो फराहम कर दे। अब वो भी पता नहीं ना कि आपको उर्दू की कौन सी किताब चाहिए, उर्दू की पहली या उर्दू की आखिरी किताब, तो मसला हो जाएगा। बहरहाल वहाँ पर सबकी ज़बान अरबी होगी और आपको इस तरह की ख्वाहिश ही नहीं होगी, लेकिन आप करना चाहते हैं तो वो आप जाने। अगला सवाल मोहम्मद हमज़ा साहब का, इन्होंने एक पोस्ट भेजी है कि इसके हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए कि 1906 से पहले कोई फला नहीं था, 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था, इसी तरह दीगर तवारीख लिखी हैं कि 250 हिजरी से पहले कोई हम्बली, 150 हिजरी से पहले कोई हनफ़ी और जाफरी नहीं था, अलबत्ता मुस्लिम ज़रूर थे जो आज के दौर में शायद कहीं खो गए हैं, रहनुमाई फरमा दीजिए। जी ये जो शनाख्त होती है, कितने साहबा के नाम के साथ मुहाजिरी लिखा जाता है, कितने साहबा के साथ अंसार लिखा जाता है, कबीलों के नाम लिखे जाते हैं, कौन सा किस कबीले से था वो भी नाम लिखे जाते हैं, कुछ नस्बतों इलाक़ों के हवाले से हज़रत सलमान के साथ फ़ारसी लिखा जाता है, हज़रत सुहैब के साथ रूमी, हज़रत बिलाल के साथ हबशी। तो ये नस्बतें जो होती हैं ना, इन नस्बतों से लितआरफ़ू पहचान के लिए हैं। आपका ये कहना कि कोई हनफ़ी नहीं था, कोई शाफ़ी नहीं था, कोई मालिकी नहीं था, कोई हम्बली नहीं था, फला नहीं था, फला नहीं था, इसलिए कि उस वक्त फ़िक्ह मुरतब नहीं हुई थी। वो लोग जो थे पहले, जिनको हम सहाबा कहते हैं, वो नबी पाक के फैज़ याफ्ता थे, उनकी अल्लाह ताला ने उनको जो नबी पाक के फैज़ान से जो समझ और जो क्वालिटी अता की थी, उस वक़्त ज़रूरत नहीं थी। क़ुरान की सात क़िरातें हैं, फिर रिवायत हफ्स पे पूरी उम्मत को जमा किया गया एक क़िरात पर, मालूम है आपको? नहीं मालूम। कितने फ़िरक़े आए थे, जहमिया आए थे, कदरिया आए थे, जबरिया आए थे, फिर मोतज़िला आए थे, शायद आपको मालूम नहीं है। हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मुकाबला किन से था? खवारिज से था। वो आज खवारिज के कुछ नए नाम हैं, रवाफिस के कुछ नए नाम हैं, ये वही फ़िरक़े हैं जो चले आ रहे हैं, क्योंकि मुनाफिक तो उस वक्त भी थे। पूरी सूरह मुनाफिकून उतरी है क़ुरान में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में थे, और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई के वो मुनाफिकों का सरदार था। तो आगे उस ज़माने में थे, तो अब ये कहा जाए कि नहीं होंगे, तो ये तो आपकी मालूमात की कमी। अब मसला ये है कि मैंने पहले कहा आज बहुत से नाम हो गए, इन नामों में वजह क्या हुई है, आपने उस पर क्यों तवज्जो नहीं दी? जो फ़र्क करते चले गए वो फ़िरक़े बनते चले गए। बरेलवी कोई फ़िरक़ा नहीं है, सिरे से नहीं है, अहले सुन्नत व जमात की सही पहचान, क्योंकि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने उनकी तर्जमानी की तो उनकी नस्बत से बरेलवी कहा जाने लगा। ना बरेलवी कोई फ़िरका है, ना मज़हब है, ना अकीदा है, आला हज़रत ने तो कोई अकीदा इजाद नहीं किया। अच्छा,
अब फ़र्क करने वाले जिन्होंने फ़र्क किया बताइए, उस फ़र्क की वजह से उनका नाम पड़ा ना, तो ये नाम तो होंगे, ये एक आपके पास तो 10-15 नाम है, लोग तो 50 बता देंगे। अच्छा फिर ये यहूदियों ईसाइयों में, हिंदुओं में, सिखों में, सब में है, वहाँ आप नहीं करते, आपको सिर्फ यहाँ का मसला है। तो सुन लीजिए, ये मुसलमान की सही तारीफ आपको मालूम होगी, जो उस तारीफ में फ़र्क कर दे, क्या आप उसको मुसलमान, अब कादियानी ख़ुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन उन्होंने तो नबी बदल लिया अपनी मर्ज़ी का, जिसको चाह अल्लाह के नबी को नहीं और दूसरे को बना लिया, अब बताइए क्या आप उनको मुसलमान मानेंगे, पूछ रहा हूँ आपसे। तो जहाँ बुनियादी अकायद से लोग हटे वो फ़िरके बने, जहाँ ईमान पर कायम है उनका नाम हनफ़ी हो, शाफ़ी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरावर्दी हो, शाज़ली हो, ये सब एक हैं, ये पहचान के लिए नाम हैं, अकीदों में ये सब एक हैं और सही मुसलमान हैं, और अहले सुन्नत व जमात है, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात का लफ्ज़ भी हमें वहीं से मिला है, ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है, ये सहाबा से चला आ रहा है, हदीस में मौजूद है, अहले सुन्ना और जमात ये मौजूद है। इस बारे में आपने हमारी गुफ्तगू नहीं सुनी, तो ये जो आज कहते हैं ना कि मुसलमान कहीं खो गए, ये मुसलमान मौजूद हैं, और जब सही मुसलमान मौजूद नहीं होंगे क़यामत आ जाएगी। आपका और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी, तो आप देखें फ़िरक़ों में वो कम होंगे, अहले सुन्नत व जमात हमेशा से अक्सरियत रहे, ये और बात है कि उनमें वो दबे हुए हों, कमज़ोर हों कुछ, लेकिन वो अक्सरियत होंगे, क्योंकि उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। तो भाई थोड़ी सी तवज्जो करें, ये जो पहचान के लिए नाम है आपने कह दिया, ये जो सही मुसलमान है, अब मिसाल के तौर पर आपका नाम कुछ भी हो, आप आगे सिद्दीकी लगाएं, फारूकी लगाएं, उस्मानी लगाएं, तो आपका असल हुआ, तो आप ख़ानदानी तारुफ करा रहे हैं ना, कहीं आप इलाकाई के लखनवी हैं, देलवी हैं, मैं उकाड़वी कहलाता हूं, तो ये इलाकाई तारुफ, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जी आज मुसलमान कोई नहीं रहा, लखनवी हो गया, देलवी हो गया, ये हो गया, ये बात नहीं है, ये कुछ उनवान उर्फी तौर पर आए हैं, लेकिन असल मुसलमान वही है जो किताब व सुन्नत के मुताबिक सही अकायद पर कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही अक्सरियत में, ये फिरके हैं मगर थोड़े हैं, शोर ज़्यादा है। अगला सवाल मोहम्मद अफ़ान मेमन कादरी साहब का, एक इमाम सहीउल अकीदा है मगर ऐसे बंदे की हिमायत करता है जो बंदा बेअदब है, अब उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, तो क्या मेरा ऐसा करना दुरुस्त होगा? किसका बेअदब है? सवाल में वाज़े नहीं करते हैं, बेअदब ये होता है ना कि उसको अदब की आदत नहीं है, या ये कि नबी पाक की, सहाबा की, अहले बैत की, किसकी बेअदबी कर रहा है और किस हद तक कर रहा है, सवाल में वाज़े नहीं है। वैसे मिजाज का बेअदब है कि बड़ों का अदब नहीं करता या लिहाज नहीं करता, तो उसको प्यार से समझाओ या उसका तरीक़ा दुरुस्त करो, लेकिन अगर किसी ऐसी हस्ती का अदब नहीं करता जिसकी वजह से ईमान ज़ाया होता है, तो फिर वो नमाज़ पढ़ाना तो क्या, उससे फिर मज़ीद और मामलात हो जाएंगे, फिर उसके पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या तसव्वुर, क्योंकि जो अगर वो वाकई नबी पाक का, आले बैत का, सहाबा का गुस्ताख है, तो ईमान का मसला बन जाएगा, फिर वहाँ नमाज़ का क्या मतलब होगा। तो पहले सवाल में वाज़े करें कि किसका बेअदब है और किस हद तक है। अगले सवालात खुर्रम साहब के, इन्होंने एक तहरीर भेजी जिसमें, किसी ने इनको ये तहरीर भेजी जिसमें काफ़ी किताबों से दलाइल दिए गए छोटी दाढ़ी के जवाज़ के हवाले से, तो वो पूछते हैं कि क्या ये दलाइल दुरुस्त हैं जो छोटी दाढ़ी के हक़ में दिए जा रहे हैं। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कितनी थी, मेरा पहला सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा, फारूक आज़म के बेटे की एक रिवायत है कि वो कुब्ज़े के बाद यानी मुठ भर के बाद काट देते थे, इसके अलावा कोई और रिवायत दिखाइए, इमाम नववी ने तो जो लिखा उसी के मुताबिक तो लोग काटते नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक इतनी थी, हज़रत अली के बारे में आता है कि वो अपना मुंह नीचे करते थे तो उनका सीना भर जाता था दाढ़ी से,
उनको क्यों नहीं मालूम था यह मसला कि दाढ़ी की मकदार कितनी रखनी है, छोटी रखनी है। उन्होंने क्यों इतनी बड़ी रखी थी कि सीना भर जाता था? पूछना चाहता हूँ, आइम्मा की कितनी थी, बुजुर्गों की कितनी थी? आज जो लोग दाढ़ी नहीं रखना चाहते या पूरी नहीं रखना चाहते, वो जवाज ढूंढने की कोशिश न करें, वरना बड़ों पे एतराज़ होगा कि उन बड़ों को ये मसला मालूम नहीं था, उन्होंने क्यों पूरी रखी। मुझे किसी की बताएं, गौसे पाक की बताएं, इमाम आज़म की बताएं, या जो हस्तियां दाता साहब की बताएं, ख्वाजा साहब की बताएं, इनकी दाढ़ियाँ कितनी थी। आज आप नहीं रखना चाहते और अपनी जितनी रखी हुई है उसको ही आप असल पूरी दाढ़ी कहना चाहते हैं, हम आपसे पनाह मांगते हैं। क्यों? सारे बुजुर्गों की दाढ़ियाँ पूरी थीं, वो हमसे ज़्यादा दीन जानते थे, बड़ी मेहरबानी। और वो ला ताखुज बिलहियती वला बिरासी से भी कि मेरी दाढ़ी अगर वो मुट्ठी में नहीं आई थी तो पकड़ने का क्या मतलब, छोटी दाढ़ी तो पकड़ में आती ही नहीं है। हज़रत मूसा और हारून का वाक़या कुरान में मौजूद है। तो आपकी दलीलें, आपका नसीब, शौक से आप अपने उस दलीलों पे जाइए। मैं उन बुज़ुर्गों को जानता हूँ जिनकी सबकी दाढ़ियाँ पूरी थी और मैं उसी को सही समझता हूँ, आपकी आपकी मर्ज़ी। इनका अगला सवाल, इन्होंने एक ख़ास मकतबे फ़िक्र का नाम लिखा। मैं इशारतन बताता हूँ कि वो जो सिर्फ आइम्मा अहले बैत में से सिर्फ 6 इमामों की विलायत के कायल हैं, उनके हवाले से शरई हुक्म पूछा कि क्या हुक्म शरा लगेगा उन पर। ज़रूरियात दीन की बात करें, आइम्मा अहले बैत हमारे लिए मुअज़्ज़मात हैं, मुक़द्दसात हैं, हम उनको भी मानते हैं। आइम्मा शरीयत, आइम्मा तरीक़त, आइम्मा अहले बैत सब हमारे लिए मोहतरम है। अगर किसी मुसलमान की तकफ़ीर करता है या ऐसे उसकी गुस्ताखी करता है और ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत क़राबत का लिहाज नहीं करता है तो बेअदब है, गुस्ताख है, अल्लाह हिदायत अता फ़रमाए, आमीन। अगला सवाल अहसन ख़ान साहब का, इन्होंने ये फरमाते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक तहरीर चल रही है जो कि एक दूसरे मकतबे फ़िक्र के एक बहुत बड़े और मशहूर आलिम की तहरीर के जुम्मे के साथ मुबारक लगाना बिदत है, लिहाजा जुम्मे के साथ मुबारक ना लगाया जाए। क्या लगाया जाए, कोई और लफ्ज़ उन्होंने मुतबादल दिया? मदीना मुनव्वरा में जुम्मा करीम का लफ्ज़ का बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, जुम्मा करीम, जुम्मा तैयबा, सैयदुल अय्याम है। अगर कोई उसको मुबारक कह रहा है तो क्या उनको नहीं पसंद आता है? कोई बात नहीं, हमें पसंद है, हम मुबारक भी समझते हैं, करीम भी समझते हैं, तैयबा भी समझते हैं, हमने कह दिया उनको नहीं पसंद है ना कहें। अगला सवाल उवैस असलम साहब का, क्या दीन इसी में आ गया जैन साहब कि किस लफ्ज़ को मुबारक कहना है और किसको नहीं कहना? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो ख़ुद सोचें कि किस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं लोग। अगर को प्यार से कह रहा है तो उसको बता दे कि इसको अगर तुम्हारे नज़दीक जो तुमने इसको वो दर्जा दे दिया है तो वो दर्जा ना दो, ठीक है वैसे कह लिया कोई हर्ज नहीं, मगर सारा जोर इन्हीं चीज़ों पर लगा दिया, सुभान अल्लाह। ये काफ़ी लंबी तहरीर थी जो इन्होंने भेजी। बहरहाल उस तहरीर को देखने से यही है ना कि जुम्मे को मुबारक नहीं कहना, यही है ना, तो क्या फ़ायदा होगा उस तहरीर का, क्या हासिल होगा, क्या आपने पैगाम क्या दिया है कि जुम्मे को मुबारक नहीं कहना? तो अगर ये इतनी तहरीर पर आपने पता नहीं क्या कितने दलीलें कायम कर दी हैं तो हासिल क्या होगा? हम तो किसी बुज़ुर्ग की नस्बत से जगह को शरीफ कह लेते हैं, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, हैं बुज़ुर्ग की नस्बत से कि वहाँ उसको शरफ उसकी वजह से मिला, पूरे इलाके को कह देते हैं। मैंने आपको वो बताया था ये अमेरिका या अमीरुका का लफ्ज़, ये हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पाँचवीं पुश में शहज़ादे का और बताया जाता है, सबसे पहले वो गए थे उन्हीं के नाम पर है, ये इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है, दायरा मौरिफ़ इस्लामिया जो पंजाब यूनिवर्सिटी की उसमें मौजूद है। तो हम तो नस्बत की वजह से जगह को कह देते हैं, तो ये जुम्मा सैयदुल अय्याम जो क्या कहते हैं कि उनकी ईद है, जो फ़ुकरा हैं
उनके लिए ईद है, हमारे लिए कितना उसका अहम, और मुसलमानों को ख़ास तौर पर पहलों को दिया गया, उन्होंने लिया नहीं है, इसमें हम पर कितने इनाम होते हैं, तो उसको मैं मुबारक नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? और फिर ये उसको मुबारक रोकना कौन सा कमाल है? या तो हो ना कि कोई ज़रूरियात दीन पे ज़द पड़ रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो बिल्कुल ख़िलाफ़ इस्लाम है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इन बातों पे क्यों वक्त ज़ाया किया जा रहा है? ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है? हाँ, कोई नाजायज़ चीज़ हो, कतई तौर पर नाजायज़, उसके लिए करें। हाँ, अगला सवाल उवैस असलम साहब का कि बिटकॉइन के बारे में बता दीजिए, क्या उससे और उस पर तिजारत करना जायज़ है या नाजायज़? हमारे यहाँ कुरान और हदीस में दो, ज़हब और फिज़ा, यानी गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी, ये हैं असल चीज़। आपने उसकी जगह निकाली है पेपर मनी, करेंसी नोट आ गया। वो करेंसी नोट एक हुकूमत की ज़मानत है कि इससे आपको सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, उसकी रकम उसके हिसाब से, जैसे कि हुआ। वरना ये कि नोट के हवाले से और भी कई एतराज़ आए थे, बहरहाल पेपर मनी आई। गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, आपके पास अगर 1,000 का नोट है तो गवर्नमेंट आपको 1,000 ही देगी, उसके बदले अगर छोटे नोट लेंगे कटौती नहीं होगी। वो 1,000 का नोट 1,000 की वैल्यू का है, 500 का नोट 500 की वैल्यू का है। ये जो बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह निकली है, इसकी जितनी तफसील सामने आई है उस पर अभी तक कोई अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ ये मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के तरीक़े निकाले। अब डिजिटल करेंसी की तरफ अगर हुकूमतें जाती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है, उनकी वो पूरी तरह से ज़मानत होती है, तब तो आप बात करें। मुझे ये बताएं कि इस बिटकॉइन और इस क्रिप्टो करेंसी जो बताई जा रही है, ये हुकूमतों ने ईजाद की है या कोई प्राइवेट इदारे हैं, उनके ऊपर किसी हुकूमत की ज़मानत है, और उससे जो खेला जा रहा है वो क्या सूरत हाल है? तो उलमा ने यही कहा है, अभी तक जो तहकीक जितनी आई है सामने उसमें ये दुरुस्त नहीं है। मज़ीद तफसील के लिए आप उलमा के फतवे देख सकते हैं, इंटरनेट पे मौजूद है। अगला सवाल अब्दुस्समद कादरी साहब का कि शबे बरात के हवाले से जो ये मशहूर है कि उसमें रूहें आती हैं, इसके बारे में क्या शरई हुक्म है? शबे कदर के हवाले से है रूहें आना। वैसे ये कि रूहें अल्लाह वालों की रूहें, ईमान वालों की रूहें अल्लाह की अता से, और ख़ास तौर पर शुहदा की रूहें जहाँ जाना चाहती हैं चली जाती हैं अल्लाह की तरफ से। भाई पिंजरे में कैद है, मैं अपने आप को देख लेता हूँ ख्वाब में कहाँ, तो वो मेरा जिस्म जो जसद मिसाली उसको देखता हूँ, तो रूह से उसका ताल्लुक़ होता है। आवाज़ देते हैं तो मेरी आँख क्यों खुल जाती है? तो लोग इस चीज़ को समझे नहीं, अल्लाह वालों की, ईमान वालों की रूहें आती है, मगर ख़ास तौर पर सूरह कदर में है शबे कदर के हवाले से। इसमें शबे बरात में मैंने ये नहीं कि रूहें आती है, रूहें आना चाहें आ सकती है अल्लाह की अता से, ईमान वालों की, शहीदों की, लेकिन वो शबे कदर के हवाले से ख़ास है। शबे बरात में वो इस तरह का ज़िक्र नहीं है, लेकिन आना चाहें अल्लाह की अता से आ सकती है। अगला सवाल सदफ इमरान साहिबा का कि अगर किसी ऐसे मुल्क में रहते हों जहां हुकूमत की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजिम हो, और पहली डोज़ के बाद दूसरी डोज़ का वक्त अय्यामे रमज़ान में आए, तो क्या रोज़े के दौरान वैक्सीन लगवाई जा सकती है? इंजेक्शन के बारे में इख्तलाफ है उलमा का कि रोज़ा टूट, अगर ताकत का इंजेक्शन लेता है कि रोज़े पर कुव्वत हासिल हो तो जायज़ नहीं है। कोई ऐसा लाजमी है जैसे लाइफ सेविंग होता है या बहुत ज़रूरी है, तो कुछ उलमा ये कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, कुछ उलमा नहीं मानते, वो कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता। ये दोनों राय मौजूद हैं। अगर कोई ऐसी मजबूरी है और उसमें आपको, क्योंकि मनाफिज जो कुदरती सुराख है, मुंह है आपका, नाक है, मतलब आप उससे ग़िज़ा नहीं ले रहे, वो आपके निडल है बदन में जा रही है, तो ताकत के लिए नहीं है, किसी बीमारी के लिए, मजबूरी के लिए है, तो उलमा इस तरफ भी है कि रोज़ा नहीं टूटता।
तो जो रोज़े की हालत में ऐसा इंजेक्शन लेना पड़ जाए, वो इंटरवीनस होते हैं जो नस में लगाए जाते हैं, कुछ अलग अलग भी हैं, तो ताहम कुछ ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है। लेकिन जिस तरह कोई इनहेल करता है, जिस तरह पंप वगैरह है, चूँकि उसमें दवा होती है, हलक में जाती है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे लोग जो सांस के मरीज़ हैं वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि मजबूर हैं, वो उसके बगैर चल नहीं सकते। तो वो अगर वो लेंगे, इनहेल करेंगे, तो फिर उनका रोज़ा टूट जाएगा। तो ये इंजेक्शन के हवाले से इख्तलाफ है, उलमा तईद में भी हैं और तरदीद में भी हैं। तो जो लगवाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि कुछ उलमा तईद भी करते हैं। अगला सवाल मोहम्मद अफजल गाजियानी साहब का, कि अगर फ़र्ज़ नमाज की जमात में कादाए उला के बाद शामिल हुए तो अब तीसरी और चौथी रकात में जब पूरी करेंगे तो सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी या नहीं? जी, आप जमात में शामिल हुए हैं 4 रकत वाली, तो अब आप 4 रकत वाली नमाज में, आप पहला 2 रकतें आपने नहीं पढ़ी है ना, तो अब आप जब खड़े होंगे ना, जब वो सलाम फेरेगा और आप खड़े हो जाएंगे, तो वो आपकी पहली रकत होगी। तो आपने पहली दूसरी में तिलावत करनी है फातिहा के बाद, तीसरी चौथी तो आपने पढ़ ली है, तो अब आप कहाँ से पढ़ेंगे? आपकी वो जो 2 रह गई हैं वो 2 पहली ही होंगी, तीसरी चौथी में तो आप शामिल हो चुके। अगला सवाल डेरा इस्माइल ख़ान से रहमतुल्ला साहब का, कि जिस तरह मुहर्रमुल हराम के रोज़ों का ये हुक्म है कि 7 मिलाकर किया जाए, 9 या 10 का या 10 या 11 का, तो इसी तरह क्या 15 शाबान के रोज़े का भी यही हुक्म है? नहीं, 15 शाबान के या इसके अलावा 27 रजब के या 12 रबीउल अव्वल के रोज़े का ये हुक्म नहीं है कि 2 रखने, बाकी कोई 10 दिन रखता है उसकी मर्ज़ी, लेकिन ये कि उसका ये हुक्म नहीं है कि उसके साथ दूसरा रखना होगा, ऐसी बात नहीं है। अगला सवाल तलागंग से, और वो जो भी है ना मुहर्रम वाला जो 9 10 का, वो सिर्फ यहूदियों से फ़र्क करने के लिए, क्योंकि यहूद सिर्फ 10 का रखते थे, तो फरमाया इनकी मुखालफत हो जाए, वो सिर्फ इसलिए, बाकी ये रोज़े तो दूसरे रखते नहीं हैं, इसलिए वो मसला नहीं है। अगला सवाल मोहम्मद उवैस साहब का, कि इश्के मजाजी और इश्के हकीकी में क्या फ़र्क है? हाँ जी, लफ्ज़ इश्क कुरान में नहीं है, कुरान में मोहब्बत का लफ्ज़ है। कुछ लोग मीम पर पेश लगाते हैं, मोहब्बत कहते हैं, ये मीम पर ज़बर है, मोहब्बत। इंग्लिश में उसके लिए एक ही लफ्ज़ है, लव। तो इश्क मोहब्बत का आपके यहाँ इंतहाई दर्जा के, यानी जब आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए दीवाने हो जाएं, तो आप कहते हैं इसको इश्क हो गया जी। अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लिल्लाह। एक होता है शदीद, एक है अशद। ये अशद शदीद से बड़ा, जैसे अकबर कबीर से, अक्सर कसीर से, इसी तरह ये अशद शदीद से, यानी बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह की वजह से मोहब्बत, नबी से। नबी की मोहब्बत भी अल्लाह ही की मोहब्बत है कि वो अल्लाह के नबी हैं। तो अल्लाह जिनसे प्यार करता है, उनसे प्यार करना ये अल्लाह ही की वजह से होगा, उसको कहते हैं इश्क़े हकीकी, सही इश्क। इश्क़े मजाजी, मजाजी का मतलब होता है इजाज़त दिया गया, या जिसका रियल नहीं है उसका, क्या उसको कहेंगे, रियल का आपके यहाँ सब, क्या उसको कहते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं रियल? जी, उसका मतलब ये कि दूसरा दर्जा जो देते हैं, सब्स्टिट्यूट का आप दर्जा दे देंगे उसको। तो ये वो कि उसके ज़रिए इश्क हकीकी को समझना, मसलन मुझे माँ से इश्क है, तो मैं उस माँ से इश्क में, अल्लाह के इश्क को पहचानूँ, जब ये इतनी मेहरबान है, वो कितना मेहरबान होगा, तो ये समझने के लिए। बाकी ये जो आपके लव कहलाते हैं, आई एम सॉरी, ये जो मर रहा हूँ तुम पे और मरता हूँ तुम पे, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, या जान दे दूँगा, ये सारे आपके जितने हैं, ये
इनको आप इश्क मजाजी में लाना चाहते हैं, मगर हवस अगर है तो फिर ना उसको मोहब्बत कहिए ना उसको इश्क कहिए। इश्क खालिस होता है, उसमें मिलावट नहीं होती। उसमें यह नहीं है कि मिलेगा तो ही। मैंने आपको शायद सुनाया था, दवाए शाफी किताब है, वो पढ़ लीजिएगा, उर्दू तर्जमा हो गया है, कि अगर आपको किसी नौजवान को किसी लड़की से, किसी लड़की को किसी नौजवान से मोहब्बत सिर्फ पसंद की हद तक, कोई आलूदगी नहीं है, खालिस, और बताए भी नहीं, ना वो लड़का लड़की को ना लड़की लड़के को बताए, नहीं खालिस हो और कोई हवस ना हो, तो शहीद का दर्जा मिल जाता है मरने पर, प्योर। मगर हमारे यहाँ हवस को भी इश्क कहेंगे तो फिर और बात आ जाएगी, मसला आ गया ये। तो इश्क मजाजी आपका ये कि जी आप किसी ऐसी चीज़ से जिसमें इजाज़त है मोहब्बत की, लेकिन उसको समझें, जहाँ कहीं आपकी गरज आई, मतलब आया, हवस आई, तो फिर उसको इश्क और मोहब्बत का नाम ना दीजिए, वो आपको सिर्फ आपका वो उसको हवस कहेंगे, वो फिर इश्क नहीं होगा। तो ये इश्क मजाजी अगर बहुत ज़्यादा समझना हो तो मसनवी पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ आ जाएगी, वरना गुलिस्तान और बोस्तान पढ़िए, वो जो है चुना कहत साले के अंदर दमिश्क, तो शेख सादी ने लिखा ना, दमिश्क में कहत पड़ गया तो ग्यारह फरामोश कर दंद इश्क, तो सबको इश्क भूल गया, भूखी पड़ गई। तो इश्क का दर्जा बहुत ऊँचा होता है, हमने उसको ये अपनी हवस का नाम दे दिया है, वो बहुत आला चीज़ है। उसमें आप अगर कहीं वाकई सही इश्क होगा तो वो सीखिएगा, वो इश्क सीखना है तो वो सिद्दीक अकबर से सीखिए जो उन्हें हुजूर से था, वो मौला अली से सीखिए जो उनको हुजूर से था, वो हसनैन करीम है, इन हस्तियों से सीखिए, उसको कहते हैं इश्क। हमारे इश्क तो हवस है, अल्लाह माफ़ करे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बाज़ों के। अब हज़रत अमीर खुसरो को अपने पीर व मुर्शिद हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया से इश्क था, ज़रा पढ़िए कैसा था। तो ये जो आज के हैं ये अल्लाह माफ करे। अगला सवाल आसिफ फारूकी साहब का, क्या खाने के बाद 40 कदम चलना सुन्नत है? मैं इस मामले में पिछले दिनों तहकीक में था, चहल कदमी खाना खाने के फौरन बाद नहीं, यानी इधर खाना खाया और उधर नहीं, तकरीबन आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद चहल कदमी करनी चाहिए, वरना आप उसी वक्त लेट जाते हैं तो खाना सीने पे होता है और उसकी वजह से निज़ाम हज़म भी, नींद भी मुतासर होती है और बदहज़मी हो जाती है अक्सर या उल्टी हो जाती है। तो खाना खाते ही नहीं, खाना खा के आधे घंटे या 40 मिनट बाद 40 कदम ज़रूर चलें। अरब में एक कहावत है, तगद्दा तमद्दा तगश्शा तमश्शा, दोपहर का खाना खाओ तो लेट जाओ, रात का खाना खाओ तो चलो, लेकिन उससे ये मुराद नहीं कि उसी वक्त ही चलना शुरू कर दें, थोड़ी देर ठहर के। अगला सवाल हंजला खान साहब का, रोज़े की हालत में अगर बहुत तेज़ बुखार या कोई ऐसी तकलीफ़ या बीमारी हो जाए जिसकी शिद्दत कम या ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन या ड्रिप लगाना ज़रूरी हो जाए तो क्या हुक्म होगा? रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा और कफ़ारा का क्या हुक्म होगा? ड्रिप लगाई जाती है कुव्वत के लिए, उसकी गुंजाइश नहीं है, इंजेक्शन ताकत का गुंजाइश नहीं है, ज़रूरत का है। आपकी यह बीमारी बिगड़ सकती है, आपके ऐसी हालत हो सकती है जो ख़तरे की, तो उतने इंजेक्शन के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कुछ उलमा इजाज़त देते हैं, कुछ नहीं देते। जो नहीं देते हैं वो ये नहीं कि ज़िद में नहीं देते हैं, उनके पास भी दलाइल हैं, वो रोज़े के बहुत सी चीज़ों के, और जो दे रहे हैं इजाज़त वो सिर्फ़ इसलिए कि जनाब अगर कोई मसला आ गया है कि जी हालत बिगड़ जाएगी, उस हालत में सिर्फ उस ज़रूरत का इंजेक्शन, लेकिन ताकत के लिए कि रोज़े पे ताकत आए या बदन में कुव्वत आए उसके लिए नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी हालत हो गई है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, वो रोज़ा तोड़ दे अपनी जान बचाए, मगर वो सिर्फ ताकत के लिए ना ले। हैदराबाद से मोहम्मद आरिफ साहब का अगला सवाल, इनका पहला सवाल के शबे बरात पर बेरी के पत्तों से नहाने का सही वक्त और सही तरीका बयान फरमा दीजिए। ये जो बताया जाता है ये ग़ुरूब आफ्ताब के बाद, क्योंकि ग़ुरूब आफ्ताब से रात शुरू हो गई, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आप गुसल कर लें वो, और उसके बाद यानी ग़ुरूब आफ्ताब हुआ, आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद गुसल कर लें, फिर पूरी रात
असल इस तरह बताया गया है, बहरहाल अगर कोई कर सकता है करे, लेकिन ये कि इसको लाजिम नहीं है करार दिया गया कि सब ऐसा करें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए बहुत सी चीज़ें लाजिम नहीं की। फरमान लाजिम होता हर वज़ू के साथ मिसवाक लाजिम कर देता, तो कुछ आसानी के लिए बहरहाल कोई अगर करता है बरकत के लिए तो उसका वक्त मैंने बताया। इनका अगला सवाल आपका मोहम्मद आरिफ साहब, शबे बरात में रूहों का घर पर आना, इसके हवाले से कुछ देर पहले अल्लामा साहब ने एक सवाल के जवाब में मुफस्सल कलाम फरमाया, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले सवालात मुल्तान से अली साहब के, इनका पहला सवाल के निज़ाम मुस्तफ़ा कब आएगा, जबकि झूठे और मक्कार लोग धोखे से वोट तब्दील करके गवर्नमेंट में आते हैं और हुकूमत करते हैं, सच्चे लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता, रहनुमाई फरमा दीजिए, आवाम क्या करें। आवाम ताकत है, क्या कहते हैं ताकत का सरचश्मा आवाम, यही नारा लगा था ना, आवाम पहचाने अब वोट किसको देते हैं। एक बेटी बहन का मुस्तकबिल वाबस्ता करने के लिए जिस लड़के की कितनी छानबीन करते हैं आप, सिर्फ एक फर्द का मुस्तकबिल वाबस्ता करना है तो इतनी छानबीन, और पूरे मुल्क का मुस्तकबिल जिनसे वाबस्ता करना है उनकी परवाह नहीं, कभी नोट लेके वोट दे देते हैं, कभी दबाव में वोट दे देते हैं। ये वोट जो है ये आजकल मेरे ख्याल दुनिया में साफ़ सुथरा इलेक्शन, माफ़ी चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कहीं नहीं होता, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है शिकायतें, सब जगह आप कहेंगे जी किसको, अभी ताज़ा देख लीजिए अमेरिका वालों ने शिकायत की नहीं की, सारी दुनिया में ये शिकायतें रहती हैं। और ये वोट का जो ये तरीक़ा राइज हुआ है वल्लाहु आलम, फिर ख़वातीन का, अच्छा जी अजीब बात है, चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का इतना काबिल आदमी, उसके वोट की भी वही वैल्यू है जो चपड़ासी के वोट की वैल्यू है, एक ही वोट, साहिब और राय शख्सियात के वोट की क्या अहमियत। बहरहाल ये जो तरीक़ा राइज है मगरबी जमहूरियत का, अब उसमें भी आपके यहाँ पता होता है हमारे यहाँ कोई 62 और 63 के जी सादिक हो, अमीन हो, उसका कैरेक्टर में कोई शरीक जिसके ख़िलाफ़ चीज़ ना हो, या वज़ीर इस्लाम के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला बातें कर रहे हैं, कोई उन पे क्लाज नहीं लगती, हम पे लग जाती है, हमारा पेज बंद हो जाता है, उन पे नहीं लगती। हम कोई शरीयत की बात कर दें जो पसंद नहीं है, वो कह देंगे जी हमारी कम्यूनिटी के तकाज़े पूरे नहीं कर रहा, वहाँ पूरे इस्लाम के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा उन पर। हालांकि आपकी वो 62-63 जो है आप आइन पाकिस्तान का लेके पढ़ लीजिए, कभी झूठ ना बोला हो, उस पर कोई क्राइम का कोई उस पर ना हो, यहाँ पर सबके यानी वो उनकी चार्जशीट जो है खुल्लम खुल्ला, उसके बावजूद कुछ नहीं होता। और मैंने कहा ना ये 300-400 लोग हैं हेर फेर के, आज इस पार्टी में अगले इलेक्शन में उस पार्टी में उसमें, सब वही हेर फेर के सारे ही सादिक और अमीन बने हुए हैं। अल्लाह ताला इन लोगों से नजात दे, लेकिन हमें भी तो कोशिश करनी है ना, वोट किसको देना है और इस वोट के लिए हमने सही निज़ाम कैसे लाना, तो ये हमें जागना पड़ेगा कि हमारे वोट को कोई मिसयूज़ ना कर सके, ये हमें अपनी कुव्वत जाहिर करनी होगी और आगे आना होगा। लेकिन हम आते नहीं हैं ऐसी बातों पे, हमारे यहाँ जो सियासत का सियासत गंद को कह दिया गया, हालांकि सियासत तो बहुत नेकी की बात है, उसको गंद कह दिया गया क्योंकि उस करप्शन टीवी पे आके ज़िम्मेदार अफराद कह रहे हैं जी करप्शन हमारा हक है, हमारे मुल्क में ये हो रहा है, बताइए फिर निज़ाम मुस्तफ़ा कहाँ से आएगा। निज़ाम मुस्तफ़ा आने के लिए मुझे हलाल कमाना है, हलाल खाना है, मेरे ज़मीर में कोई लुक्मा हराम जो है ना वो जाकर उसको बदले नहीं, और मुझे अपने हक़ के लिए खड़े होना आवाज़ बुलंद करना, तो होती है बात। कोशिश कीजिए आप भी और मैं भी। आपका वैक्सीन के हवाले से सवाल, अभी कुछ देर पहले अल्लामा साहब ने एक सवाल के जवाब में इस पर बयान फरमाया, आप वो रिवाइंड करके देख सकते हैं। आप इनका दूसरा सवाल के बिज़नेस के शरई उसूल क्या हैं, अगर कोई कपड़े ख़रीद कर 200-400 से लेकर 1000 तक मुनाफा रखे तो क्या वो जायज़ है? मुनाफा कमाना जायज़ है, नाजायज़ मुनाफा चीज़ को रोक के रखना, ज़खीरा कर लेना, आम इस्तेमाल की चीज़ जो ख़ास तौर पर खाने पीने की होती हैं,
बाकी आप लेते ही इसलिए कि नफ़ा मिले, नफ़ा जो भी जायज़ हद तक है वो आप ले सकते हैं। ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत आमतौर पर लोगों के लिए मसाइल ना बने उसके आप बहुत ज़्यादा भी लेते हैं तो जायज़ मुनाफा जायज़ होगा। लेकिन ये जो आपके यहाँ ज़खीरा अंदोज़ी का मिजाज हो गया, जालसाजी का हो गया, ये बिल्कुल ग़लत है। आप उस पर नहीं पूछते कि वो कमाना जायज़ है। अब 5 रुपए का मास्क 50 रुपए में जिन्होंने बेचा, घरों में अजाने भी दी उन्होंने, वही लोग कह रहे थे हराम की वजह से आती हैं ये वबाएं, उन्होंने क्या किया? वहाँ आप मसले नहीं पूछते, वो भी तो पूछे ना कि झूठ बोल के मिलावट वाली चीज़ गलत चीज़ बेचना, वो भी तो कहा करें। अच्छा जी, सफाई सुथराई ना रखना, कीड़े काट घुसे हुए हैं और आप वो चीज़ें बेच रहे हैं, जनाब तरबूज में जिसको वाटरमेलन कहते हैं इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप खरबूजों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, कौन कौन सी दवाएं डाल के आप फल बेच रहे हैं, यहाँ भी तो सोचिए ना मुनाफा। जब जायज़ कमाएंगे, जायज़ खाएंगे तो बरकत होंगी, वरना फिर जो बीमारियाँ और इसी तरह पैसे जाएंगे। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। नाजायज़ मुनाफा नहीं होना चाहिए, जायज़ हद तक आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मगर कब? कि वो चीज़ें जिनकी वजह से ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं खाने पीने की, उनमें नहीं कीजिएगा। बाकी जो लग्जरीज है उनमें अगर आप कमाते हैं तो एक हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो। इनका अगला सवाल, फिर आगे आप झूठ बोलेंगे टैक्स वालों को, गलत इनवाइस बना के देंगे, अब सोच लीजिए फिर कहाँ तक बात जाएगी। इनका अगला सवाल के रोज़े में भूल कर अगर गरगरा कर लिया तो क्या हुक्म होगा? गरगरा करना मना नहीं है, पानी नीचे नहीं जाना चाहिए, एहतियात करनी है उसमें, गरगरा करते हुए गागल करते हुए कि पानी ना अलग से नीचे जाए। इनका अगला सवाल कि अगर किसी को याद ना हो कि कब से रेगुलर नमाज, रोज़ा और ज़कात और कुर्बानी शुरू की तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? आप अपनी बुलूगत शुमार करें ना, कितनी उम्र से बालिग हो गए, 12 साल के बाद या 15 साल की उम्र, तो वो बुलूगत शुमार करके अंदाज़ा कर लीजिए जितना है, तो उसके हिसाब से आप उसको अदा कीजिए। क्या आपका कोई फ़र्ज़ उलूम कोर्स है या अकायद व आमाल का कोर्स मौजूद है? भाई कैसेटों में क्या कुछ है, कैसेट थी, उसके बाद सीडीज आई, और यहाँ तो पेज बंद होने लग गए हैं, 4-4, 5-5 साल की मेहनतें, अब ये पता नहीं कब दोबारा मौलाना रफ़ीउल्ला साहब और ये जनाब अब्दुल राफ़े मानी साहब कितना ये अब दोबारा अपलोड कर चुके हैं, मुझे तो इन चीज़ों से वास्ता नहीं है। बहुत कुछ किया था, पढ़ाया भी था एक ज़माने में, और कुछ किताबें पेंडिंग हैं, वो इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए ये थोड़ी सी कोई आसानियाँ हों ताकि मैं जो काम पेंडिंग है उनको पूरा कर सकूं। अगले सवालात इस्लामाबाद से अम्मार आबिद साहब के अगर किसी की 3 बेटियां हों और कोई बेटा ना हो तो विरासत किस तरह तकसीम होगी उसकी बेटियों के? अभी ज़िंदा हैं या ज़िंदगी में तकसीम कर रहे हैं? ज़िंदगी के बाद, ज़िंदगी के बाद, ज़िंदगी के बाद। अब कौन कौन मौजूद है? सिर्फ 3 बेटियां मौजूद हैं और बेटियां और बेटा नहीं है, बस इन्होंने और कोई है, बीवी है, दूसरे हैं, वो सारी सूरत बतानी है। ये जो विरासत के मसले आप इस तरह पूछ लेते हैं ना, ये दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि तफसील जाननी होती है कौन कौन मौजूद है, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारे मौलाना रफ़ीउल्ला साहब को अगर मैं को फतवा दे दूँ लिखवाने के लिए तो 6-6 महीने सवाल ही नहीं इनके ख़त्म होते, ये तो इस हद तक चले गए फतवे में। हालांकि जो लिखा होता है उसके मुताबिक या सवाल के मुताबिक जवाब दे देना चाहिए, मगर आज के मुफ्ती जो हैं वो बहुत सवाल करते हैं इतने कि अगला कहता है जी मुझे फतवा ही नहीं चाहिए। तो इसमें ज़रूरी है कुछ बातें वाज़े करें, ज़िंदगी में दे रहे हैं, बाद में बीवी भी है, माँ बाप भी हैं, कौन कौन है, और फिर तफसील तो बेहतर होगा किसी करीबी मदरसे में फतवा लिख के पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे पूरी सूरत मालूम नहीं है, तो उस सूरत में मैं नहीं कह सकता, मैं कह दूं अब बाद में आप उसी को सनद बना के अगला ले जाए, कहीं मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो वाज़े नहीं है, लिहाजा बेहतर है विरासत के मसले पूरी तफसील बता के पूछ लिया कीजिए किसी भी मदरसे से। इनका अगला सवाल, सदक़े और खैरात का फ़र्क, सदक़े की अकसाम, और नीज़ ये भी बता दीजिए कि अगर कोई शख्स बकरे का सदका करता है तो क्या उसी का गोश्त वो इस्तेमाल कर सकता है? लफ्ज़ सदका, इन्नमस सदकातुल फ़ुक़रा, सूरह तौबा की जब ये आयत आई थी
मैंने इस पे 12 जुम्मे बयान किया था, 12 जुम्मे मुसलसल सिर्फ लफ्ज़ सदका को वाज़े किया था। सुने, सदका के माने नेकी के हैं, अच्छाई के हैं। आप किसी मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराते हैं तो ये भी सदका है, ठीक है, एक माना सदका। उसमें अगर उसके ओरिजिन में जाएं तो और कितने लफ्ज़ इसके माना बनते हैं, इस वक्त छेड़ दूंगा तो फिर 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। तवज्जो चाहता हूँ, एक होता है सदकाए वाजिबा और एक सदकाए नाफिला। ज़कात सदकाए वाजिबा, फितरा सदकाए वाजिबा, यानी जो लाजिम है। वैसे मैं कुछ देता हूँ वो सदकाए नाफिला, मैंने खाना खिलाया, किसी को नजराना दिया, ये सदकाते नाफिला हैं। सदकाते नाफिला आप ख़ुद भी खा सकते हैं, अमीरों को भी खिला सकते हैं। सदकाते वाजिबा सिर्फ मुस्तहिक लोगों का हक है, उनके सिवा किसी को नहीं खाना चाहिए या किसी को नहीं देना चाहिए। उनमें से कौन है? सबसे पहले आपके करीबी बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, फिर उनसे आगे के रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, फिर मोहल्ले वाले, फिर शहर वाले और फिर पूरी दुनिया वाले। तो सदका वाजिबा गैर अकीदे वाले को, जिसका अकीदा गलत होगा उसको देंगे तो आपका वो अदा नहीं होगा, वो सही अकीदे वालों को देना है। सदका नाफिला आप किसी को भी दे सकते हैं। मसलन कुर्बानी की, आपने छुरी फिर गई ना, आपका वो वाजिब अदा हो गया, पूरा गोश्त सदका नाफिला है। आप किसी ईसाई को भी दे सकते हैं अगर वो खाना चाहता है, आप पड़ोसी को भी दे सकते हैं, अमीर को, गरीब को, सबको दे सकते हैं। आपने 11वीं शरीफ किया, सदका नाफिला है, अमीर भी खाएं, गरीब भी खाएं। आपने खाना पकाया है, सब खा लें, लेकिन जो सदका वाजिबा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक लोगों को दिया जाएगा। उसमें आप पैसे दें, खाना दें, इलाज कराएं, क्या करें, वो सारे तरीक़े, हर वो चीज़ जिससे दूसरे को आप फ़ायदा पहुंचा सकें, मगर इस सूरत में कि उसको हक हो कि वो आगे, अगर आपने 100 रुपया दिया है, वो आगे उसके जनाब आपके लिए साहब के सामने उसकी आइसक्रीम खा लेता है, आपको कोई हक नहीं है, उसको दे दिया ना, उसको मालिक बना दिया। अब वो उससे खाना खाए, वो आगे किसी को दे दे, वो कुछ भी कर ले, आप उस पर ये नहीं कह सकते मैंने तुझे खाने के लिए दिया था, तूने क्या किया, आपने मालिक बना दिया। आप खाना दे रहे हैं किसी को सदक़े का, लेकिन कहेंगे नहीं यहाँ बैठ के खाओ ना, आप उसको मालिक बना दें, वो आगे बेचे, किसी और को दे दे, तो सदका अदा होगा, यानी उसको मालिक बनाना। अब उसकी बहुत आगे तफसील है, तो मैंने मुख्तसरन अर्ज़ किया, अगर तसल्ली हो गई हो तो ठीक, वरना फिर मज़ीद सवाल कर लीजिएगा। अगले सवालात शकीला फ़याज साहिबा के। इनका पहला सवाल कि अगर वालिद फालिज के मर्ज़ में मुब्तला हो और बेटे गैर ज़िम्मेदार हों तो क्या बेटियां अपने वालिद के रोज़ों का फ़िदिया अदा कर सकती हैं? बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने वालिदैन से गाफिल हैं। आज आप अगर वालिदैन हैं, कल आप बच्चे थे, आज वालिदैन हैं, आज जो बच्चे हैं वो कल वालिदैन होंगे। वालिदैन के औलाद पर, औलाद पर वालिदैन के हुकूक मालूम नहीं है, सीखते भी नहीं हैं। माँ बाप पूरी औलाद जितनी है, बेटे बेटियाँ, उन सब की जिम्मेदारी है माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की ज़रूरतों को पूरा करना। एक बेटा कर रहा है, बाकी दो बेटे गाफिल हैं, एक बेटी कर रही है, बाकी दो बेटियां गाफिल हैं, भाई मैं नहीं कर सकता, भाई तुमने जो करना कर लो, ये इस तरह के लफ्ज़ हमारे यहाँ सुनने को देखने को मिलते हैं। वो बेटियां जो अपने ब्यादी, लाजमी बात है उन पर अपने शौहर का भी हक है, बच्चों का भी हक है। आप उनसे कहें कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा, मैं अपनी बीवी को, बेटों को, बच्चों को नहीं दे रहा, बेटियाँ आके करें, ये गलत बात, उन पर दूसरे भी हैं जिम्मेदारियाँ। आप बेटे होने की वजह से ज़्यादा, क्योंकि माँ बाप आपके साथ होंगे, वो बेटियों के साथ नहीं रहते, बेटियाँ ससुराल में या अलग रहती हैं, लेकिन जब ज़रूरत की बात आए, बिलफर्ज़ बेटे नालायक हैं, नहीं तवज्जो दे रहे, तो बेटियाँ इसलिए नहीं कि बेटे नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, नहीं, आप में से सबको उसूल बनाना चाहिए,
जितनी ज़रूरतें सब मिल के करें, किसी को अल्लाह ने ज़्यादा दिया वो ज़्यादा करें। आप करोड़ रुपया, करोड़ों रुपये खर्च कर लें, माँ बाप का हक अदा नहीं होगा। आप कहते हैं जी मैं सिर्फ दो रुपये दे सकता हूँ, 98 अपने बच्चों के लिए रखूँगा। आप कहें सारा कुछ दे दें तब भी हक अदा नहीं होगा, मगर गाफिल नहीं हो सकते ना बेटे ना बेटियाँ। हाँ बेटे ना अहल हो जाएं, लापरवाह हो जाएं तो बेटियाँ कोशिश करें, मगर बेटियाँ पैसों के मामले में अगर उनके पास अपना है, शौहर का पैसा नहीं खर्च कर सकती हैं अपने माँ बाप पे, और अगर खर्च करेंगी तो उससे इजाज़त लेके करेंगी, ये छुपा के उसके पैसे निकाल के नहीं कर सकती हैं। आपके पास अपना पॉकेट मनी है या अपना पैसा, वो माँ बाप पे लगाएंगी, शौहर का पैसा उसकी इजाज़त के बगैर नहीं लगाएंगी। और जो बेटे हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ के मुताबिक बेटे पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का और औरत पे सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। तो जो आपकी बहन है अगर ब्याही हुई है तो उस पर उसके शौहर का भी हक है, बच्चे भी हैं, उसका ससुराल भी है, और आप चाहते हैं कि नहीं जी वो आके करे, आप नहीं करना चाहते, तो ये गलत बात। तमाम बहन भाइयों को माँ बाप की खिदमत करनी है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है वो दूसरी तरह खिदमत करे जो कर सकता है, मगर गाफिल नहीं हो। और किसी को इस वजह से ये नहीं कि तुम नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रहा या तुम क्यों कर रहे हो, ना, सब ने करनी है। इनका अगला सवाल कि क्या किसी फलदार दरख्त को काटना जायज़ है? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मुल्तान में आम के फलों से लदे हुए बागात सिर्फ कॉलोनी बनाने के लिए तबाह कर दिए गए, अब इसका वबाल किसके सर होगा? सोशल मीडिया चीख रहा है कि जी मुल्तान में एक ख़ास इलाका बनाने के लिए कितने लाख या पता नहीं कितने दरख्त आमों के काट दिए। दूसरे सामने लिखा कि नहीं जी उन्होंने नहीं काटे, किसी और ने काटे। बहरहाल जिसने भी काटे, फलदार सायादार दरख्त को बिला वजह काटना मना है। बल्कि गैरों के इलाके में जाके भी आप कोई मुल्क फतह कर लें तो वहाँ पे भी फलदार सायादार दरख्त को काटने से मना किया गया है। मगर हमारे मुल्क में न दीन का कानून है न कोई और कानून है। जिस कानून का नाम लिया जाता है उस कानून बनाने वाले उस पर अमल नहीं करते। सुप्रीम लॉ कुरान और हदीस है, उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला बातें होती हैं बहुत कुछ, लेकिन ये कि जो भी मुजरिम है, ये इस तरह करने वाले शरीयत के भी मुजरिम, मुल्क के भी मुजरिम, लोगों के भी मुजरिम। इसीलिए इस मुल्क में दोस्ती नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बरकत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। ना हुक्मरान सीख रहे हैं, ना आवाम सीख रहे हैं, ना इदारे सीख रहे हैं। बस जिसको मिल जाए, जितना मिल जाए, जैसे मिल जाए, अल्लाह ताला कोई अपना ख़ास बंदा भेज दे और हम पर मेहरबानी कर दे, जो इस मुल्क में सही मानों में इस्लाम की बहारें लाए। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस बुनियाद पे जब चलेंगे बरकत भी होगी, सब कुछ होगा। अब जी गोश्त अचानक महंगा हो गया जी, बाहर जाने लग गया है, अपनी ज़रूरत को नहीं देख रहे, बाहर को पूरा कर रहे हैं, लोगों के लिए जना फलां चीज़ ख़त्म फलां चीज़ ख़त्म, तो अपनी रियाया से ये जो ये हुक्मरान जो दो दिन के लिए बैठे हैं इनको पता नहीं है कितना वबाल ले रहे हैं। ये फारूक़ आज़म की मिसाल देते हैं कि जी नील के साहिल पे भी कोई जानवर भूखा मर गया तो मुझसे पूछा जाएगा, ये कहते हैं, मगर इनके अपने अमल में क्या है? जो आता है दिहाड़ी लगाता है। ये वैक्सीन आ रही है, पैसे बन रहे हैं इस पे, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, टेस्ट किस बात पे हो रहे हैं, कौन सा है? मैं कहूँ शोभा है, सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। हम दुरुस्त नहीं होंगे तो फिर निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें कहाँ? और फिर ये वबाल पूछना जी, दरख्तों का वबाल, बाकी सारा वबाल किस पे होगा? हम सारे वबाल ही तो ले रहे हैं एक दूसरे का, सुधर कौन रहा है? किसी को परवाह नहीं, माफ़ी मैं अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम नहीं कर रहा हूँ, मैं शामिल हूँ। हम सब बिल्कुल, हमें याद ही नहीं है कि कब्र में जाना है, हमें खुदा का खौफ ही नहीं है। हाँ जब बीमार हो जाएँ फिर उस वक्त जी दुआ करें। वो कहते हैं ना, सारी उम्र जिसने जनाब बद्दयानती की आखिरी उम्र में तस्बीह पकड़ के बैठा हुआ है,
पहली सब में जाके नमाज पढ़ रहा हो, जबकि ब्यूरोक्रेसी में वो सब कुछ करता रहा। तो ये लेकिन सच्ची तौबा की तौफीक जिसको मिल जाए, अल्लाह माफ़ करने वाला, मैं मायूस तो नहीं करूँगा किसी को भी, तो तौबा करे तो सही। तो भाई आपने आम के दरख्त कटवा दिए, मुल्तान का आम मशहूर था, आप कहाँ से लाएंगे फिर? आप आपके कितने कारोबार पे, मुल्क की मईशत पे असर पड़ेगा। लेकिन जिसकी कॉलोनी है वो बननी है, बहरहाल उसमें कितनी बरकत होगी वो जाने। इनका अगला सवाल कि हमारे ख़ानदान में बचपन में ही रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं, मगर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी सोच और पसंद बदल जाती है। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि रिश्तेदारों के आपस में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, तो क्या शरीयत की रूह से ये बात जायज़ है कि बचपन में ही रिश्ते तय कर दिए जाएं? लाजमी नहीं है, किए जा सकते हैं, वाली जो होते हैं, वली जो होते हैं, वो कर सकते हैं, मगर बच्चों की फिर तरबियत भी तो उसी तरह करें ना, उसके बाद उनको छोड़ दिया। अब ये है कि जी ज़बरदस्ती करवाना वो गलत है। माँ दुपट्टा रखे बेटे के कदमों में या बाप पगड़ी रखे बेटी के कदमों में कि लाज रख लो, गलत। मैंने बहुत सख्त लहजे में कहा है ताकि पता चले ज़बरदस्ती जो करवाते हैं, जी हमारी इज्जत रख लो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप, ऐसा ना कीजिए। लड़की की इजाज़त के बग़ैर बाप तो क्या बादशाह इस्लाम उसकी शादी नहीं कर सकता, शरीयत ने इतनी आज़ादी दी है, लेकिन उसको भी चाहिए कि सोचे, अगर बड़ों ने किया है और उस पर वो राज़ी रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होगी। बचपन में रिश्ते करने वाले उसी तरह तरबियत करें, उसी तरह का माहौल दें, वरना ये है कि फिर अगर बच्चे बड़े नहीं मान रहे तो फिर उस पर नाराज़ ना हों, उस पर बिगड़े नहीं, जहाँ मुनासिब हो। गलत पसंद है उसकी ताईद ना करें, जो सही पसंद है वहाँ कर दें, उस पर लड़ना और रिश्ते और नाते टूट जाना ये बहुत बुरी बात है। इस पर मैं शबे बारात में गुफ्तगू कर चुका हूँ, क्योंकि क़ताए रहमी होती है, रिश्ते निभाते नहीं हैं तो फिर ना फ़र्ज़ कबूल ना नफल कबूल, और फिर जन्नत का कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि उस रात में भी बख्शिश नहीं होती है। तो अपने बच्चों की खुशियाँ देखिए, उनको नाराज़ करके खुशियाँ ना ढूंढिए और ज़बरदस्ती ना कीजिए। अगले सवालात लाहौर से हम्मार साहब के। इनका पहला सवाल कि अगर शौहर सही बातों में भी बीवी का दिफा ना करे तो ऐसे शौहर के लिए क्या शरई हुक्म होगा? वो शरई हुक्म से पहले बीवी का हुक्म तो पूछ ले, बीवी रखेगी उसको? शौहर के बीवी पर, बीवी पे शौहर के हुकूक हैं। कुछ लोग माओं पर इतनी ज़्यादा तवज्जो के बीवी के हुकूक भूल जाते हैं, कुछ बीवी पे इतनी तवज्जो के माओं के हुकूक भूल जाते हैं। और इस बारे में इर्द गिर्द वाले जो रोल अदा करते हैं लड़वाने में, भिड़वाने में, आग लगाने में, वो मुस्तजाद, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क होता है, वो भी एक आर्ट है कि कैसे लड़वाना है और कब लड़वाना है और क्या जुमला कह के लड़वाना है। किसी के बारे में कोई जुमला कह दिया, अगले ने यकीन कर लिया, तहकीक नहीं की, मालूम हुआ बोल चाल मेल जोल बंद, कहा क्या था, लफ्ज़ क्या थे, क्या लहजा था, बताया क्या गया, उसकी भी तहकीक नहीं और शुरू हो गए। बहुत ये झगड़े हैं, बहरहाल मैं क्या कहूँ, मियाँ बीवी बड़ा नाजुक और बड़ा प्यारा रिश्ता है, जहाँ तक हो सके उनकी दिलजोई करें। वो छोटे छोटे आपकी ये जो लिप सर्विस होती है ना, मीठे बोल से खुश हो जाती है, सारे दिन की थकी हुई हो आप दो जुमले अच्छे बोल दें खुश हो जाती हैं, मगर आप डिक्टेटर बने रहेंगे, मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर बने रहेंगे, तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए घर का माहौल क्या होगा। और बच्चों के सामने बीवी की आप तौहीन करें या बीवी आपकी करें, ये अच्छी बातें नहीं हैं। मियाँ बीवी को एक दूसरे का क्या कहना चाहिए, सातिर होना चाहिए। सातिर मतलब छुपाने वाला, हमारे यहाँ डिक्लेयर किया जाता है, बात बढ़ा बढ़ा के की जाती है, ख़ासतौर पर वो लड़कियाँ जो अपने मैके जाके अपने ससुराल की बुराई करें, बहुत बुरा करती हैं, अपने घर आबाद नहीं करती, तोड़ती हैं,
और घर वाले भी बजाय समझाने के, अरे छोड़ दो तुम आ जाओ, ये गलत बातें हैं। तो इसमें थोड़ा सा बीवी को भी और थोड़ा सा शौहर को भी सोचना होगा। घर बसाना है तो खुश रह के बसाइए। मुझे एक हदीस सुनानी पड़ रही है, आपको सुना रहा हूँ क्योंकि हदीस है। फरमा उसको बुरा कहते हो फिर उसी को चूम रहे होते हो, अपना स्टैंडर्ड ज़रा पहचानो। मैंने हदीस सुनाई है, क्या मतलब है, हमें कोई मैसेज दिया गया है। तो बीवियाँ फालतू नहीं होती, ना ही शौहर पालतू होते हैं। वो फालतू नहीं है, आप पालतू नहीं हैं, दोनों के हक हैं। दोनों इज्जत कीजिए एक दूसरे की, दोनों प्यार कीजिए एक दूसरे से, और लोग लड़वाने की कोशिश ना करें। हाँ, जिसमें ज़्यादती है उसकी इसलाह हो, वो इसलाह नहीं कर रहे हैं या वो उसका रवैया गलत है तो फिर उसके ज़िम्मेदार वो खुद है। इनका दूसरा सवाल के एक शख्स के नज़दीक उसका भाई ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद और काबिल है, लेकिन उसका भाई गैर शादीशुदा है। अब ऐसे भाई से क्या अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक मशवरे लेना दुरुस्त होगा? एक शख्स ने हज नहीं किया, उससे हज के मसले तो नहीं पूछने चाहिए। आलिम है ना, हज नहीं किया उससे हज के मसले नहीं पूछें, क्या ख्याल है? ये अजीब सी बात है। देखें, अगर किसी ने कोई इल्मी मशवरा चाहिए तो वो लाजमी बात है, वो अगर आलिम है तो वो देगा। बाज़ होते हैं तजरबाती, अगर तजरबाती हवाले से है और वो समझदार है, देख रहा है उसमें, तो उसमें आप कह सकते हैं कि जी नहीं है, पूरा नहीं उतर रहा। लेकिन अगर वो आलिम है तो फिर तो वो हर शोबे के हवाले से बताएगा, और गैर आलिम है तो वो तजरबात पे या दूसरी चीज़ों को देख के बताएगा। लेकिन ये जो मशवरे लेना है, आप मशवरा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन साथ में समझ बूझ भी तो है। अगर एक शख्स आपको मशवरा दे, छलांग लगा दे, तो आप लगाते नहीं, आप कहते हैं भाई मैं देखूंगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। तो ये सवाल बता रहा है कि कोई ख़ास ज़िद वाली बात है तो वो सूरत और है। लेकिन जहाँ तक ये कि कोई समझदार हो, तो अगर वो उस मरहले से नहीं गुजरा है और जानता है उसके बारे में तो बताएगा। इनका तीसरा सवाल कि अल्लाह ताला को पुकारते हुए क्या लफ्ज़ कहना बेहतर है, तू या फिर आप? उर्दू में पुकारना है ना आपने जी, तो या अल्लाह तो अरबी में है। अगर मैं पुकारता हूँ ए अल्लाह, उर्दू में कहूँगा, तू अल्लाह तो नहीं कहूँगा, बीच में लफ्ज़ आ जाता है तू। अगर तू कहते हुए ये लफ्ज़ आप, मैं इस पर इस यहाँ इस वक्त बहस नहीं करूँगा वरना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हालांकि एक ज़बान में इस लफ्ज़ आपके माना बहुत बुरे हैं, ये उर्दू में राइज है। हम अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, तसव्वुर भी नहीं है कि भाई तौहीन का या तहक़ीर का, बहुत प्यार से तू कहते हैं। वहाँ कोई तौहीन का, तहक़ीर का, तख़फीफ का कोई तसव्वुर भी नहीं है। तो तू कहना या तेरा कहना वो उस तरह नहीं है जिसको आप मुहावरे में ले रहे हैं, ये बल्कि बहुत प्यार ताल्लुक़ की भी बात होती है। और अगर किसी का लहजा या अंदाज़ तहक़ीर वाला, फिर गुंजाइश नहीं है। इनका अगला सवाल के मेरी हमशीरा शादी के लिए आने वाले रिश्तों में कोई ना कोई मसला निकाल लेती हैं, जबकि वह अल्लामा साहब के शादी के लिए बताए गए वजीफ़े कई सालों से पढ़ रही हैं, वालिदैन काफ़ी परेशान हैं, आप रहनुमाई फरमा दीजिए। मेरी वो तमाम बहनें, बेटियां या उनकी माएँ जिन्हें ऐब निकालने की आदत है, नाक छोटा है, कद मोटा है, फलाना नहीं, कद छोटा है, नाक मोटा है, अजी आँखें यूं हैं, पाँव यूं हैं, तुमने बनाया है, कल को तुम्हारे बारे में कोई कहेगा कैसा लगेगा? दो चीज़ें देखो, देखो चार चीज़ें हदीस में हैं, हुसन भी है उसमें, माल भी है, ख़ानदान भी है, ईमान भी है। मगर क्या कहा, ईमान को तरजीह दो, नेकी को। बीवी वो लाएं जो ईमान में मदद करे। आप लोग कभी कभी माल पे जाते हो, कभी हुसन पे जाते हो, लेकिन ख़ानदान और ईमान, ये दो बुनियादी चीज़ें थी कि नेक लोग हों और ईमान वाले हों।
आपको पसंद नहीं है चुप हो जाए, ऐब बताना नहीं जी यूं है और फलाने ऐसी आंखों वाले यूं होते हैं, जिनके ऐसे उंगलियां हों नाखून हों वो यूं होते हैं, ये बातें करके आप लोग क्या कहना चाहते हो। और इसी वजह से कितनी बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, वजीफा पढ़ रही है साथ में जो कुछ कर रही है, कोई अगर मुनासिब रिश्ता, हदीस तो ये कहती है बच्ची बाले हो गई है मुनासिब रिश्ता आया है, अगले के इंतज़ार में नहीं क्या कोई इससे अच्छा आएगा, जो सही रिश्ता आया करो। और उस जो जल्दी के काम है ना, जिन कामों को जल्दी करने के लिए कहा गया, उनमें ये भी है कि बच्ची बाले हो जाए मुनासिब रिश्ता आ जाए कर दो। नहीं जी अभी उम्र ही क्या है, बाद में मालूम हुआ मसले। कितने घरों में ये गलतियाँ, तो बराए मेहरबानी वजीफ़ा पढ़ते हुए, ये भी अल्लाह की मखलूक है, आप ख़ुद वो मोहतरमा जो वजीफ़ा पढ़ रही हैं वो ख़ुद कोई दुनिया की वाहिद खूबसूरत औरत हैं कि उनको अपने मेयार का कोई लग नहीं रहा, क्या है ये नाशुक्री भी होगी और इससे आपको नुकसान होगा। बस ईमान देखें कि ईमान सही है, और वो अगला शख्स आपको ख़ानदानी हो, यानी आपसे नौकरियाँ ना करवाए, आपसे गलत काम ना करवाए, मुनासिब हो, बिस्मिल्लाह कीजिए, अल्लाह ताला सबके अच्छे नसीब करे। और लड़कियां लाने वाले वो जो सासें बन जाती हैं, भयानक रूप है औरत का, सबसे भयानक रूप, माँ का रूप बड़ा प्यारा, बहन का बड़ा प्यारा, बीवी का प्यारा, बेटी का प्यारा, मगर सास का रूप बड़ा भयानक करके क्यों दूसरों की बेटियों के सुख बर्बाद करती, वो नाज़ों की पली आती है, अपनी बेटियों की तरह उनको पाले, उनको भी इंसानी हुकूक़ दें, ससुराल वाले उनको टाइम दें कि वो समझ सकें आपके घर को आपके मिजाज को। जिन लड़कियों की तरबियत गलत है वो भी दुरुस्त हो जाए। ये जो मैके का सुख याद रखती हैं और ससुराल में जाके वही ढूंढती हैं, वो फिर बसती नहीं है, वो खुश नहीं रहती, माहौल ख़राब रहता है। तो शौहर भी ससुराल भी अच्छा सलूक करें, मैके वाले भी अच्छी तरबियत करें, और जब भी मुनासिब रिश्ता आए अगले के इंतज़ार में देर न करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये चीज़ मसला बन जाए, उम्र गुजर जाए और फिर कोई भी रिश्ता ना आए। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन। क्या आपका कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें बहन भाइयों के एक दूसरे पर फ़राइज़ और हुकूक़ बयान फरमाए गए हों? नीज़ ये भी बता दीजिए, इसी बहन भाइयों के हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से कोई किताब तजवीज़ फरमा दीजिए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें मौजूद हैं, औलाद के हुकूक़ या बीवी के हुकूक़ के हवाले से छोटे छोटे रिसाले हैं, उर्दू में हैं, इंटरनेट पे होंगे, उलमा ने उनको आसान करके बयान किया है। ये माँ बाप और बच्चों के हुकूक़ के बारे में तो इंटरनेट में उर्दू इंग्लिश में मेरे पेज पर भी तहरीर मिल जाएगी आपको, और इसके अलावा मुतअद्दिद ये के मौजूद हैं मगर पढ़ते नहीं हैं। मेरा ख़्याल ये है कि सीरतुन नबी जो किताब शिबली नोमानी की, उसमें भी हुकूक़ का जो पूरा चैप्टर है उसमें भी है, क्योंकि ये कोई इख्तलाफी मौजू तो नहीं है, उसमें भी है। इसके अलावा और बहुत सी किताबों में अलग अलग रिसाले भी छपे हुए हैं हुकूक़ ज़ौजैन के हवाले से, इसी तरह रिश्तेदारों के हुकूक़ के हवाले से, तो आप अगर देखेंगे। मेरा कोई पूरा बहन भाइयों की इस तरह तफसील नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी और माँ बाप के हवाले से तहरीर मिल जाएगी। अगले सवालात उम्मे हानी साहिबा के, इनका पहला सवाल कि परमानेंट या आर्जी मसनूई दांत लगवाने में कोई हर्ज है, और जिस शख्स के मसनूई दांत लगे हों तो मरने के बाद उसके लिए क्या हुक्म है, क्या गुस्ल के वक्त उसे हटाना? अगर वो आसानी से निकल सकते हैं तो निकाल लिए जाएंगे, और अगर निकालने में कोई मतलब एक खून निकलना है ज़ख़म हो जाएगा फिर नहीं निकाले जाएंगे, आसानी से निकलेंगे तो निकाल लिए जाएंगे जो मसनूई लगे हुए हैं। लेकिन मसनूई किसी हराम चीज़ के ना हो, बाकी जो आजकल चीज़ें मेटल या केमिकल वगैरह के बनाते हैं उसमें कोई नजिस चीज़ ना हो तो आप बना सकते हैं दांत, लेकिन वफात के बाद वो अगर आराम से निकल सकते हैं तो निकाल लिए जाएंगे। इनका दूसरा सवाल के आँखों की रोशनी और बिनाई के लिए कोई दुआ बता दीजिए। दोनों उंगलियां इस तरह जोड़ा कीजिए, ये कलमे वाली उंगलियां, इस पे पढ़ें दुरूद शरीफ कम से कम 3 मरतबा, उसके बाद मारे फूंक
हर नमाज के बाद अपनी आंखों पर फेरा करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस उंगली से दोनों आंखों पर लिखा करें, इंशाअल्लाह बरकत होगी। इनका अगला सवाल के खाने में लज्जत के साथ साथ कुव्वत भी हो, इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। हलाल, सबसे पहले ये कि उस खाने में कुव्वत आएगी जो हलाल होगा, आपने हलाल तरीके से कमाया होगा। आप जाके पूछते हैं गोश्त हलाल है, तो जो जेब में पैसे हैं वो भी हलाल हैं या नहीं है? हलाल काम से कमाएं, हलाल तरीके से कमाएं, तो हलाल में बहुत बरकत होती है। जो चीज़ हलाल नहीं होगी उससे बरकत तो तसव्वुर गया, उल्टा गुनाह ही गुनाह है। एक दूसरी बात ये कि खाने के आदाब भी सीखें, तरतीब भी, हम कौन सी चीज़ किसके साथ मिक्स कर रहे हैं। मसलन खीरे को क्या कहते हैं, ककुम्बर, वो कहते हैं उसके साथ पानी नहीं पीना चाहिए, हम पी रहे हैं। फल के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, हम पी रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारा निज़ाम को ज़ाया कर देती हैं, उनकी कुव्वत तो क्या बल्कि वो बीमारी बन जाती है। तो तरतीब भी होनी चाहिए खाने में, और वो मालूम भी होना चाहिए। नाश्ता और रात का खाना ये दो हैवी हों, सुबह का खाना जिसको नाश्ता कहते हैं ना ब्रेकफास्ट, और रात का खाना जिसको आप डिनर कहते हैं, ये हैवी हो, दोपहर का खाना हल्का हो। क्योंकि ये जो सुबह नाश्ता नहीं करते, रात का खाना नहीं खाते, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। हदीस शरीफ में भी है रात के खाने के हवाले से, दोपहर का खाना हल्का होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई तरतीब नहीं, यार आधे घंटे बाद खाना है और क्या क्या खाना है। अच्छा, जो खाने के साथ फ़ौरन चाय पीते हैं, जहर बनाते हैं खाने को, थोड़ा सा वक्फ़ा कर लें, कोई आधा पौना घंटे का फ़ौरन उसी पर वो जहर बना देते हैं उसको, यानी वो पॉइजनस हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों की आदत, अच्छा पानी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो वो उसकी वजह से और आप अपना निज़ाम आदतों को कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमें वो भी तरतीब सीखनी चाहिए, और बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुआएं करें और हलाल खाएं, तो इंशाल्लाह बरकत कुव्वत आएगी इंशाल्लाह। अगला सवाल मुल्तान से मोहम्मद तलहा साहब का, कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए किसी भी तावील के साथ वहदहू ला शरीक अगर कोई शख्स कहे तो क्या उसका ये कहना दुरुस्त होगा? चूंकि ये मसला एक हस्ती के बारे में एक चैनल के हवाले से हुआ, मैंने सुना नहीं है, मुझे बाद में किसी ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मोहतरमा के बारे में किसी ने ये लफ्ज़ एक चैनल पर कहे, उस चैनल के उस प्रोग्राम के जो होस्ट थे उस चैनल से वो अब निकल गए। तो मुझे बहरहाल चूँकि मसला पूछा है, अब अगर आप उससे रिलेट कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी किसी से रिलेट करके मसला ना पूछें। वहदहू ला शरीक एक है लफ्ज़ी माना कि ये एक है, इसका कोई और इसमें शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये लफ्ज़ी माना कि एक ही बेटा है तो कह दिया जी वहदहू ला शरीक, मसलन एक ही बेटा है, उसकी कोई बहन बहन भाई शरीक नहीं है, ये इस्तेहज़ा में भी कहना जायज़ नहीं है, तफरीहन भी कहना दुरुस्त नहीं है। और ख़ास तौर पर इस्तेलाही तौर पर तो सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है कि अल्लाह ताला की शान है, मगर कोई इसको किसी तरह तफरीही अंदाज में भी लेके कह रहा है तो मैं उसकी इजाज़त नहीं दूंगा। उसे यही कहूंगा कि वो इस तरह रास्ता खोल रहा है खेल का और ये गलत कर रहा है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगला सवाल मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब का, क्या अगर मोबाइल पर लूडो गेम खेलें तो क्या उससे घर में नहुसत आती है? अगर वैसे खेलेंगे, इनका मतलब ये है कि जो कार्ड बना हुआ है लूडो का उस पे खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, और मोबाइल पे खेलेंगे तो नहुसत होगी। ये सवाल करने वाले हैं कौन? मोहम्मद नदीम सिद्दीकी। कहाँ के हैं? शहर का नाम इन्होंने नहीं लिखा। नहीं लिखा मेरे भाई, सवाल पे ज़रा ख़ुद गौर कर लीजिएगा। यानी आप वैसे लूडो खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा और मोबाइल पे खेलेंगे तो मतलब ये कि आप नमाज ज़ाया कर रहे हैं, कोई और फ़र्ज़ अपना काम ज़ाया करके लूडो खेल रहे हैं, तो वो आप वो उसमें कार्ड पे खेलें या इस पे खेलें तो उसके लिए आप नहुसत का लफ्ज़ भी कह लें। हालाँकि मैं नहुसत के बारे में थोड़े देर पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन आप ज़रा सवाल पर ही गौर कर लें। हाँ, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, पाक नहीं रहते, अपनी ड्यूटियां पूरी नहीं करते, तो आप कोई भी गेम खेलें तो उसको नहुसत ही नहुसत समझें आप,
सोचिएगा मेरे जवाब के हवाले से। अगला सवाल इस्लामाबाद से रशीद साहब का, कि एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है तो उसको सीधा मत करो, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए, क्या ये हदीस है और इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल हदीस है, मतलब ये है कि औरत को तुम चाहो कि 100% तुम्हारे मुताबिक हो जाए तो वो नहीं होगी, टूट जाएगी, का मतलब ये कि निकाह नहीं रहेगा, तुम्हें छोड़ दोगे तुम, यानी रिश्ता टूट जाएगा। तो मतलब ये कि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, उसकी आदतें कुछ ऐसी हैं जो वो ऐसी ही रहेंगी, तो उसमें एडजस्ट करो, तुम्हारी कितनी चीज़ें वो बर्दाश्त कर रही है तो तुम भी उसकी चीज़ें, अगर उसमें दो खूबियाँ हैं तो वो याद नहीं है, उसकी बाकी सारी बुराइयाँ याद है, तो वो दो खूबियाँ भी याद कर लो भाई, कभी उस पर भी तवज्जो डाल लो। तो ऐब ढूंढने की कोशिश खाम खा ना करो कि उसमें कोई ऐब ही निकालना है, और वो भी खाम खा ये ना हो कि जी, क्योंकि उसके नज़दीक, मर्द के नज़दीक औरतों में सबसे बुरी बीवी, और बीवी के नज़दीक मर्दों में सबसे बुरा शौहर, बाकी भाई भी ठीक है, बेटा भी ठीक है, बाप भी ठीक है, सारे ठीक हैं, बस वो एक शख्स है। तो ये मसला जो है, ये मेरा ख्याल इंटरनेशनल है या उससे भी आबाव है कोई, एलियंस में भी होता? अच्छा, एलियंस में भी हो, माशाल्लाह। तो ये हल होने वाला नहीं है, मेहरबानी करें, प्यार से रहें, और खाम खा एक दूसरे में कोई ऐब जोई की कोशिश ना करें, और ये चाहें कि जी 100% आपकी तरह हो जाए, तो आप उसकी तरह नहीं हो सकते, वो आपकी तरह नहीं हो सकती, उसको हाँ कोई गलत बात है, वो प्यार से दुरुस्त करें, लेकिन चाहें कि नहीं जी बिल्कुल जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही नहीं हो सकती, रिश्ता टूट जाएगा, ये मुराद है उस हदीस से। अगला सवाल खारियाँ से आबिद हुसैन साहब का, क्या सहाबाए कराम रिदवानल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन पर दुरूद पढ़ना अहादीस रसूल से साबित है? किस पर? सहाबाए कराम पर दुरूद पढ़ना, कुरान पढ़ा हुआ ये, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, ये आयत इसने नहीं पढ़ी? कुरान से साबित है, क्या बात है, इसको कुरान नहीं पढ़ा शायद इसने। बहरहाल जी, अगले सवालात उम्मे हानी साहिबा के, कि अगर बच्चे माँ बाप की ज़कात अदा करें बिना उन्हें मालिक बनाए तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी? बच्चे माँ बाप की ज़कात अदा करें बिना उन्हें मालिक बनाए तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी? माँ बाप की ज़कात, जो माँ बाप के माल पे ज़कात बन रही है, मालिक किसको, माँ बाप को कह रहे हैं मालिक बनाए? इन्होंने सवाल में इतना ही लिखा है, मैं उसी पे चौंका था ना कि माँ बाप पर जो ज़कात बनती है वो बच्चे अदा कर रहे हैं, तो बच्चे माँ बाप को बता दें कि हमने आपकी ज़कात अदा कर दी है, मालिक बनाएगा क्या मतलब, मालिक तो उसको बनाया जाएगा जिसको ज़कात दे रहे हैं आप, और माँ बाप को आप ज़कात दे नहीं सकते, औलाद को नहीं दे सकते, तो माँ बाप की और जो ज़कात बनती है वो आप अदा कर रहे हैं, तो मालिक उसको बनाना है जो मुस्तहिक है, तो आप माँ बाप को बता नहीं रहे, बताना नहीं चाहते, माल माँ बाप का माल आपके पास है, आप उसके इजाज़त दिए गए कि आप खर्च करें तो उसमें से आप खर्च कर रहे हैं, आप उसमें लिख देंगे कि जी इतनी ज़कात अदा की गई, और अगर ये कि उनके पैसे हैं लेकिन आप उनसे कह रहे हैं कि आप अपने पैसे नहीं छेड़ें, हम आपकी तरफ से ज़कात दे रहे हैं, तो उनको बता दें, दोनों सूरतें मैंने बता दी, लेकिन मालिक तो उसको बनाया जाएगा ना जिसको ज़कात अदा की जाएगी, जिसकी ज़कात अदा की है उसको मालिक बनाने का क्या मतलब? इनका अगला सवाल, लाइल्मी या गफलत की वजह से सोने पर ज़कात अदा नहीं की, अब 30 साल गुजर गए हैं तो बताएं हर साल की ज़कात उस साल के रेट के मुताबिक होगी या आज के रेट पर, या कोई कफ़ारा भी होगा? जी सबसे पहले तौबा होगी, और हर साल का आप अंदाज़ा लगा के अगर उसी रेट पर जिस साल से आपने नहीं दी पहले साल की फिर दूसरे उसी रेट के हिसाब से दे सकते हैं, अल्लाह ने ज़्यादा दिया है तो आज के रेट से दे दें, वरना जिस साल की नहीं दी उस साल की जितनी बनती थी वो उतनी दें, फिर उससे अगले साल जितनी बनती थी वो दें, आप ताखीर कर गए ताखीर की तौबा करें और फौरन अता करें। अगला सवाल साइमा खान साहिबा का, कि अगर हम चारों इमामों को मानते हैं और उनसे अकीदत रखते हैं तो फिर हम ख़ास तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद क्यों करते हैं और उन्हें ज़्यादा क्यों मानते हैं?
हाँ, काश आपको समझ होती। प्यार हम सारे बुज़ुर्गों से करते हैं, एक सिलसिले में बैत होते हैं। मसलन गौस पाक से बैत की, कादरी कहलाए, ख्वाजा गरीब नवाज़ से बैत की, चिश्ती कहलाए। तो क्या मैं गौस पाक से मोहब्बत नहीं रखूँगा? अगर चिश्ती हूँ, कादरी हूँ, तो क्या चिश्ती से मोहब्बत नहीं रखूँगा? एक होता है प्यार रखना, एक होता है तकलीद। तकलीद एक की होगी, मानते सबको हैं कि वो सारे मुसलमान हैं, वली अल्लाह हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, हमारे इमाम हैं, सच्चे हैं। तो जो मालिकी है वो इमाम मालिक से उनकी तकलीद करते हैं, मानते सबको हैं। तो समझना चाहिए, आपने बात को समझा नहीं। प्यार करना, एहतराम करना और तकलीद एक ही की होती है। ये नहीं होगा कि इस मामले में इसकी तकलीद कर ली, इस मामले में इसकी कर ली, इस मामले में इसकी कर ली, ये नहीं होगा। तकलीद जो है एक को फॉलो करेंगे, प्यार सबसे है, एहतराम सबका है। अगला सवाल अनवर नक्शबंदी साहब का, क्या सिर्फ राफे नाम रखा जा सकता है? बैठे हुए हैं आपके साथ। अल्लाह के दो तीन नाम ऐसे हैं जो मसलन अर्रहमान, अर्रज़ाक, अल-क़य्यूम, ख़ास तौर पर कह रहा हूँ, सिर्फ रज़ाक, सिर्फ क़य्यूम और सिर्फ रहमान, ये नाम वो हैं जो किसी हवाले से रखे जाएंगे। मसलन एक शख्स का नाम अब्दुर्रहमान है, आप उसको रहमान भाई कहते हैं, गलत है कहना। उसकी बेगम को बेगम रहमान कहते हैं, गलत है कहना। कोई साहब कहते हैं रहमान बेटे इधर आओ, गलत है कहना। पूरा नाम अब्दुर्रहमान पुकारें, अब्दुर्रहमान है या अहसनुर्रहमान है या कोई और लफ्ज़ साथ लगा हुआ है, पूरा सिर्फ रहमान, सिर्फ रज़ाक, सिर्फ क़य्यूम, ये किसी के साथ ना पुकारें। बाकी नाम अल्लाह के ऐसे हैं जो बंदों पर भी पुकारे गए। तो मन तवादा अलिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजी करता है अल्लाह उसको रफ़त अता करता है। तो रफ़त का ज़िक्र है तो राफ़े कह ले, मोहम्मद राफ़े कह रहे हैं, राफ़े अहमद कह रहे हैं, कह सकते हैं। मगर जो नाम मैंने ख़ास तौर पर बताए उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। आपके मुल्क में तो ये लफ्ज़ डाकुओं के साथ भी बोले जा रहे हैं, दूसरों के साथ भी, और कोई लिहाज नहीं किया जा रहा। अल्लाह हिदायत दे। अनवर नक्शबंदी साहब, आपका अगला सवाल वैक्सीन लगवाने के हवाले से। कुछ देर पहले अल्लामा साहब ने एक सवाल के जवाब में इस पर बयान फरमाया, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला सवाल आसिफ ख़ान साहब का, कि एक कब्र को एक बालिश से ज़्यादा बनाने या पक्की करवाने का क्या शरई हुक्म है? और नीज़ ये भी बता दीजिए, क्या मज़ारात की तामीर की इब्तिदा, इस रिवाज की इब्तिदा तुर्की हुकूमत से शुरू हुई? मेरी किताब कब्र के अहकाम और आदाब उर्दू छपी हुई है, इंग्लिश तर्जमा रफ़ हो चुका है, उसको फ़ाइनल होते हुए टाइम लगता है क्योंकि एक एक लफ्ज़ की छानबीन होती है। वो एक ख़ातून है, उन्होंने 5 किताबों के तर्जमे कर लिए हैं, लेकिन उनको चेक करने में और उनकी वो तमाम में बड़ा वक्त लगेगा। तो कब्र के अहकाम उसमें आप पढ़ लेंगे। कब्र किसको कहते हैं? जिसमें आप जिस्म रखते हैं, वो जो ज़मीन का गढ़ा है उसको आप कब्र कहते हैं। उसकी दो शक्लें होती हैं, लहद की या संदूक जैसी। उसके ऊपर जो है वो कब्र का निशान है, वो कब्र नहीं है, वो कब्र का निशान है। कुछ लोग तावीज़ कहते हैं। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र सबसे पहले बनी थी बकी मदीना के कब्रिस्तान में। सबसे पहली कब्र उनकी बनी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे। तो सहाबा में मुकाबला होता था कि कौन ज़्यादा जनी आसानी से उसको जंप कर सकता है, जो ज़्यादा छलांग लगा ले, यानी उस कब्र इतनी ऊंची थी कि कौन जो है वो आसानी से उसको टाप लेता है, छलांग लगा लेता है। अब आपका एक बालिश और वो रिवायत को मैं क्या करूं? फिर बिना कब्र, बिना अलल कब्र, बिना लिल कब्र, बहुत से मसले हैं। मेरी किताब पढ़ लीजिएगा कब्र के आकाम, क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं वरना आपको बहुत तफसीली जवाब देता। आपके सवाल का एक हिस्सा कि जी इब्तिदा कब हुई, तो इब्तिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस कमरे में बना, जिसकी छत भी थी, दीवारें भी थीं, कमरे में बना, उसी को बाकी रखा गया। वो भी मैंने पूरा वाक़या उसमें लिखा है।
उससे पहले अंबिया की कब्रें। पढ़िए कुरान की तफसीर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र पानी में आ गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा इनका जिस्म यहाँ से निकाल के लेके जाओ। अगर कब्र पानी में आ गई और कब्र को बाकी नहीं रखना था तो क्यों हुक्म भेजा कि नहीं उनका जिस्म पानी में आ गया, निकाल के लेके जाओ, बैतुल मक़दस जा रहे हो साथ लेके जाओ। मैं इस पर मज़ीद गुफ्तगू करता टाइम, वरना मेरी किताब पढ़ लीजिए, आपकी पूरी तसल्ली हो जाएगी। वो जो यहूद नसारा का तरीक़ा कब्रों का कि वो बुत बनाते हैं कब्रों के ऊपर इमारत, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मुसलमानों की कब्रों के हवाले से जो आपके एतराज़ात हैं वो मेरी किताब पढ़ के इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आज का आखिरी सवाल, इंशाल्लाह जो सवालात रह जाएंगे वो अगली नशिस्त में इब्तिदा में शामिल कर लिए जाएंगे। आप अपने सवालात पूरे हफ्ते के दौरान, आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पर अपने सवालात अगली नशिस्त से पहले पहले जमा करवा सकते हैं मेरे पास, या फिर पेज इनबॉक्स में, या फिर इसी लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में। चाहे लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो जाए तो अगली नशिस्त से पहले पहले आप यहाँ पर अपने सवालात जमा करवा सकते हैं, या फिर अगर इसी लाइव स्ट्रीम की वॉच पार्टी किसी और पेज पर मौजूद हो तो वहाँ भी आप अपने सवालात अगली नशिस्त से पहले लिख सकते हैं, इंशाल्लाह शामिल कर लिए जाएंगे। ताहिरा सईद साहिबा का सवाल कि जैसा कि आजकल तालीमी इदारों ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ में को एजुकेशन सिस्टम है, तो क्या ऐसे में लड़के और लड़कियों की आपस में दोस्ती जायज़ है? मेरी मुराद उस ख़राब दोस्ती की नहीं बल्कि उस दोस्ती की है जैसे कि लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं तो दोस्ती भी हो जाती है और हंसते बोलते भी हैं, तो क्या ये जायज़ है? रहनुमाई फरमा दी। आप दीजिए जवाब, आप भी तो पढ़ते हैं ना यूनिवर्सिटी में। मेरे भाई, शरीयत के हुक्म को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश ना करें। शरीयत को तबीयत बनाइए, तबीयत को शरीयत ना बनाइए। इकट्ठी तालीम का क्या माहौल है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किस तरह था? लड़के आगे बैठते थे, दरमियान में पर्दा होता था, पीछे लड़कियां होती थी, और उनका रास्ता भी अलग और एक दूसरे से मुलाकात के कोई चांसेस नहीं। यहाँ नोट्स के बहाने क्या कुछ हो रहा है, मनशियात का कितना सिलसिला है, इल्हाद कितना फैलाया जा रहा है, आपके तालीमी इदारों में मुलहिद बनाया जा रहा है, यानी दीन से दूर किया जा रहा है, क्या क्या। और औरत सबसे बड़ा हथियार होती है हमेशा गैरों का, मेरी इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो, औरत सबसे बड़ा हथियार है गैरों का वो माशरे को बिगाड़ने के लिए। ये इश्तिहार, ये औरतों के कपड़े क्यों उतर रहे हैं, बुरका गया, चादर गई, दुपट्टा गया, और अब कपड़ों में भी कमी हो रही है, ये हथियार है उनके हमारे अंदर से गैरत ख़त्म करने, हया ख़त्म करने के लिए। तो दोस्ती की जो बात आपने की ना जी, वो ख़राब वाली दोस्ती नहीं, आपका फौरन ज़हन क्यों गया उस तरफ। दोस्ती आपकी जो भी है, तन्हा आप लोगों का बैठना शरण, उसकी इजाज़त नहीं है, एक दूसरे को देखना शरण इजाज़त नहीं है, छूना इजाज़त नहीं है, बात एक हद तक रस्मी हो सकती है, आप लोग कितनी बातें करते होंगे तो रास्ता ढूँढ रहे हैं आप, मैं इजाज़त नहीं दे सकता। हाँ, आपके यहाँ अगर को एजुकेशन करनी है उसके शराइत के साथ हों, उसमें माहौल ऐसा बने, एक दूसरे के लिए हिफाजत हो, मगर जो आपकी जो इस वक्त मुरवजा जो सूरत हाल जो नज़र आ रही, अभी सोशल मीडिया भरा हुआ है कि भरे मजमे में आके लड़की लड़के ने एक दूसरे के साथ जो किया है, और जो सोशल मीडिया भरा हुआ है, मैंने भी वो तस्वीर इत्तेफाक़ से किसी ने दिखाई तो देख ली कि क्या हो रहा है। होली के नाम पर 3-4 दिन पहले कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है वो भी सोशल मीडिया पे भरा हुआ है। यहाँ औरत मार्च के नाम पर जो कुछ हुआ था वो भी आपके सामने मनाजिर हैं। ख़राब वाली दोस्ती नहीं, मैं साफ वाली दोस्ती की बात कर रहा हूँ। गौर कीजिए, अपनी बहन के लिए क्या पसंद करोगे, अपनी बेटी के लिए क्या पसंद करोगे, दूसरे की बहन बेटी के लिए भी कोई सोचूं। आप सोचेंगे आपकी बहन के लिए, आपकी बेटी के लिए कैसा शौहर होना चाहिए, और फिर अपने आप को देखिएगा। हम लोग बहुत ही बिगड़ चुके हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। कोशिश कीजिए वो हया जो हमारा जेवर
वो शर्म जो हमारे हमारा वक़ार था हमें वापस आए। हम लोग गलत ग़िज़ाएँ खा के हराम कमाई, हमारे ज़मीर मुर्दा हो गए, गैरत मरती जा रही है। अब हमें इन चीज़ों को लगता है, जी ये पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं तो नए ज़माने में आपने क्या क्या कमा लिया सिवाय ख़राबी के। बर्बाद हुए हैं हम, ये तरक्की के नाम पर रुसवा हुए हैं हम, हमने अपना वक़ार खोया है। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। आमीन। हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने सवालात हम तक भेजे, या वो जिन्होंने अपने तारीफ़ी कलिमात से हमें नवाजा, जिनमें मोहम्मद इकराम शरीफ साहब, फौजिया अब्दुल कादिर साहिबा, सामिद ज़िया साहब, शाहिद सरवर साहब, मिर्ज़ा मंजूर बेग साहब, महमूद अहमद नवाज़ साहब, मोहम्मद तुफैल नूरी सोहरवर्दी साहब, साइमा ख़ान साहिबा, फ़ारूक अहमद साहब, मोहम्मद जुनैद साहब, मोहम्मद जवाद अली ख़ान साहब, उस्मान साहब, यूशा ख़ान साहब, आसिफ फ़ारूकी साहब, मोहम्मद अदनान साहब, उवैस असलम साहब, सदफ़ इमरान साहिबा, मोहम्मद अफजल गाजियानी साहब, गुलरेज़ ख़ान साहब, सलीम अंसारी साहब, रियाज पीर मोहम्मद साहब, जाहिद साहब, हंजला ख़ान साहब, वकास मुस्तफ़ा कादरी साहब, उज़ैर आलम ख़ान साहब, सुएबा मंसूर साहिबा, अहसन ख़ान साहब, फ़ारूक अजमेरी साहब, शेरी हैदर साहब, अनवर नक्शबंदी साहब, शेख अजीम साहब, जावेद अहमद साहब, फ़िज़ा अली साहिबा, मोहम्मद रफ़ाकत साहब, आमिर जमाली साहब, अबरार अहमद साहब, इकरा एजाज साहिबा और शाहजेब सिद्दीकी साहब, और जिनके नाम हम नहीं ले सके हम उनसे माजरत चाहते हैं। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम के आखिर में मैंने अर्ज़ किया था कि रमदान में क्या रखना है, सिलसिला जारी रखना है, भरपूर राय आएगी उसके मुताबिक। जितनी राय आई इकट्ठी नहीं आई, कुछ ने कहा वीकली रखें, कुछ ने कहा रोज़ रखें, और कुछ ने कहा अगर आपके लिए आसान हो तो दो, ट्वाइस अ वीक यानी हफ्ते में दो मरतबा। इस तरह तो राय नहीं बनेगी, इकट्ठी राय आए। और अभी मुझे ये देखना भी है कि रमदान के हवाले से ये कोरोना के साजिशी और क्या क्या पाबंदियां लगाते हैं। बहरहाल अब आप बताएंगे, फाइनली रोज़ रखना है, दो मरतबा रखना है हफ्ते में, या हफ्ते में एक मरतबा ही रखना है, क्योंकि आपने शरीक होना है। पुराना जो पेज था उस पे रीच लाखों में, लाइक भी बहुत ज़्यादा। अब ये बहाना आप करेंगे कि जी उस पेज वालों को मालूम नहीं, जबकि बहुत ज़्यादा मालूम हो गया कि जी पेज का नाम बदला है क्योंकि वो बैन हो गया। तो अगर आपका फ़ायदा होगा, लोगों को पैगाम हक पहुंचेगा, मैं खिदमत करूंगा। लेकिन भरपूर राय नहीं आएगी सबकी एक साथ, भाई एक तय कर लें कि जी रोज़ करना है, हफ्ते में दो करने हैं, हफ्ते में करना है, तो या आए तो हमारे सामने इतनी तादाद में आए कि हम फ़र्क कर सकें, तो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। फिर इन लोगों का भी मुझे देखना है, ये आते हैं दूसरी जगह से, इन्होंने जाना होगा, लाजमी बात है लॉकडाउन ना हो ताकि इन लोगों को आने जाने में दुश्वारी ना हो। और फिर आपको पता है ये महंगाई की हकूमत जो है, इसकी वजह से राह चलतों को लूटना, और कितनी खराबियाँ इस माशरे में, क्राइम बढ़ते हैं जब भी महंगाई होती है, गवर्नमेंट के तो जेब भरेगी नहीं, उन्होंने अपने अलल्ले तलल्ले पूरे करने हैं। भाई ये एक शख्स की तनख्वाह 20 लाख है, उसको भी बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है। एक शख्स की तनख्वाह 20,000 नहीं है मगर उसने सब कुछ देना है, ये तो आपके माशरे में है। और रियासत मदीना, बहरहाल अल्लाह रहम करे, तो आपका मुत्तफ़िका फ़ैसला, और ये लोग ख़ुद भी जैसे मुनासिब होगा फ़ैसला कर लेंगे। अल्लाह ताला खैर से रमदान लाए, हम सबको उसका इस्तकबाल करने, उसका एहतमाम करने की तौफीक दे। और जो भी हुआ इंशाल्लाह, अभी तो उसके दरमियान में अभी और प्रोग्राम होगा, तो अगले जुमेरात तक अगर फ़ैसला कर सके तो ये बता दिया जाएगा कि जी रमदान में क्या सूरत हाल रहेगी।
और जो भी हो सका गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। इस दौरान वो तमाम लोग जो ईमान के साथ इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जनाब हाशिम यूसुफ मंसूर साउथ अफ्रीका में और उनकी अहलिया जो मेरे असली मेज़बान साउथ अफ्रीका में, दोनों के टेस्ट हो रहे हैं, बीमार हैं, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। और भी जिस जिसने दुआओं के लिए कहा अल्लाह ताला सबके हक़ में खैर फरमाए। नेकी कीजिएगा, नेकी फैलाइएगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।